السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم سب لوگ؟ امید ہے خیر آفیت سے ہوں گے انشاءاللہ. اللہ سے دعا ہے اللہ سب کو خیر اور آفیت میں رکھے. آواز کلیئر ہے میری آپ لوگوں کو؟ बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मैं भी ठीक हूँ. ओके, अल्हम्दुलिल्लाह, चलिए शुरू करते हैं. अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिर व नऊजु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना, मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ला लह व मन युदलिल फला हादिया लह, व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، رب يسر ولا تعسر، وتمم بالخير. اللهم انفعني بما علمتني، وعلمني ما ينفعني، وزدني علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. चलें, आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक के सिलसिले में सबसे पहले तो मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला इस टॉपिक का हक अदा करने की मुझे तौफीक अता फरमाए. अल्लाह रब्बुल आलमीन हक बात कहने की मुझे तौफीक अता फरमाए, क्योंकि जो टॉपिक है और जो बात आज हम करेंगे वो तमाम की तमाम उन हस्तियों के बारे में है जिनके ताल्लुक से अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, रदियल्लाहु अन्हुम वरदू अन्हु, अल्लाह उनसे राजी हुआ और वो अल्लाह से राजी हो गए. और मेरी लाइफ में, मेरी जिंदगी में मैंने अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बयानात किए हैं, काफ़ी लेक्चर्स लिए हैं, लेकिन मेरी जिंदगी में ये पहली बार है जब मैं इस टॉपिक पर बात कर रही हूँ. और इसका रीज़न भी यही है कि वो कहते हैं ना कि जो हकीकत है वो खुराफात में खो गई है. हकीकत मालूम नहीं है, खुराफात इतनी है कि हम में से, मैं ये कहती हूँ, शायद मैं अपने ताल्लुक से भी ये कह सकती हूँ कि बहुत सारी बातें मुझे पहली बार मालूम पड़ी जब मैं इस टॉपिक को तैयार कर रही थी. और कल रात तक भी मेरा ये इरादा था कि मैं इस टॉपिक को स्किप कर दूँ जब तक आपका पैम्फलेट शेयर नहीं किया गया था. यही वजह है कि थोड़ा लेट भी आपको पैम्फलेट मिला है. और इसके पीछे रीज़न यही है कि मैं काफ़ी पजल हो गई और मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो गई. और मैंने वल्ला ही शायद ही मेरी जिंदगी में मैंने किसी बयान के लिए इतनी तैयारी की होगी जो मुझे इस बयान के ताल्लुक से करनी पड़ी है. तो अल्लाह से आप लोग भी दुआ करें, हम भी मैं भी दुआ कर रही हूँ कि अल्लाह ताला हमको हक समझने की, हक को पहचानने की, हक तक पहुँचने की तौफीक अता फरमाए. अल्लाह गफूर रहीम हमें हमारी उन खास हस्तियों को जिनके ताल्लुक से अल्लाह का फरमान है, रदी अल्लाह अन्हुम व रदू अन, फइन आमनु बिमिथ्लि मा आमनु फकद इहतदू, अगर तुम वैसा ईमान लाओ जैसा वो ईमान लाए थे तो तुम क्या हो जाओगे, हिदायत पा जाओगे. अल्लाह ताला उनकी जो शख्सियतें खराब की गई हैं, उनकी शख्सियत पर जो हर्फ उठाया गया है, जो उंगली उठाई गई है, और स्पेशली मुहर्रम के महीने में उन पर जो लानतान किया जाता है या उनकी जो उनके किरदार पर जो उंगलियां उठाई जाती हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें उनको बिल्कुल पाक और साफ करने की तौफीक अता फरमाए इंशा अल्लाह. अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी उन खास हस्तियों को जिनको दुनिया में ही जन्नत की बशारतें मिली हैं, इनमें जो मेन टॉपिक आप देखेंगे कि जितनी भी पर्सनालिटीज इसमें आएंगी, जो मेन किरदार वाकए करबला में आएंगे, वो तमाम के तमाम दुनिया में ही जन्नत की बशारत पा चुके हैं. उनको दुनिया में ही जन्नत की गुड न्यूज दे दी जा चुकी थी. और ये बहुत अफसोस का मरहला है कि उसके बावजूद इनके ऊपर, इनके किरदार पर क्या की गई, उंगली उठाई गई. और उससे ज्यादा अफसोस मुझे इस बात पर है कि हमने कभी हकीकत को जानने की कोशिश भी नहीं की और कभी हम हकीकत तक पहुंच नहीं सके.
अल्लाह से बहुत दुआ है कि अल्लाह ताला ने अगर हमारी जिंदगी में हमें ये मौका दिया है तो अल्लाह ताला इसका हक अदा करने की भी हम सबको तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह ताला सबसे ज्यादा मुझे हक बात कहने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह गफूर रहीम हम सबके इस बया अमल को आखिरत के लिए कबूल फरमाए रब्बुल आलमीन। और इंशा अल्लाह आप इस काबिल हो जाएंगे इस बयान के बाद कि आप भी किसी के कंफ्यूजन को, आप अपने बच्चों के स्पेशली कंफ्यूजन को क्या कर सके, दूर कर सके, आप उनके जहन को इन शख्सियतों के ताल्लुक से साफ कर सकें, और इंशा अल्लाह आपका ईमान मजबूत होगा और आप और ज्यादा कॉन्फिडेंट के साथ इस्लाम पर और पूरी ईमान की मजबूती के साथ अमल कर सकेंगे, और कहीं पर भी आपको कोई शक और शुबा इंशा अल्लाह अल्लाह के हुक्म से नहीं होगा। तो आज का जो टॉपिक है इसको समझने के लिए जो अहम तमहीद मैं आपके सामने रखूंगी, जो मेन चीज है कि वाकई करबला या करबला की हकीकत, इसको समझने से पहले हमें रूट पर जाना होगा जो उसकी वजह है। ठीक है, अगर आप आदम अलैहिस्सलाम से लेकर यानी आदम अलैहिस्सलाम के वजूद से पहले देखें तो एक ऐसी हस्ती आपको मिलती है जिसको आप और मैं शैतान कहते हैं, इब्लीस कहते हैं, कुरान में हम उसको इब्लीस अल्लाह ने कहा या इब्लीस। ये उस वक्त से फितना फैला रहा है जब से आदम अलैहिस्सलाम अभी वजूद में भी नहीं आए थे, है ना। अतजअलु फीहा मन युफसिदु फीहा व यस्फिकु दिमा व नहनु नुसब्बिहु बिहमदिका व नुक़द्दिसु लक, यानी फरिश्तों ने जो कहा था उस फरिश्तों की सफ में इब्लीस भी शामिल था। जब अल्लाह ने सजदे का हुक्म दिया तो फसा जैदू इल्ला इब्लीस, सबने सजदा किया, इब्लीस ने इनकार कर दिया, फितना वहां से शुरू हो गया। ये फितना आगे बढ़ते 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 आदम अलैहिस्सलाम क्या आदम अलैहिस्सलाम जो वजूद में आए, आदम अलैहिस्सलाम की जो अल्लाह ने तख्लीक की, उसके बाद उनके दो बेटों में ये फितना आगे बढ़ा, हाबिल और काबिल में। और फिर आपको पता है इन दो भाइयों में से एक ने दूसरे को कत्ल कर दिया, ये भी फितना था। इसके बाद ये फितना आगे बढ़ा, और ये फितना आगे बढ़ते हुए जो बड़ी शक्ल हमें इस फितने की नजर आती है वो है यहूदी, कि जिन्होंने यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाअहु, अल्लाह के रसूल को ऐसे पहचानते थे जैसे वो अपने बेटों को पहचानते, उसके बावजूद उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी मानने से क्या किया, इनकार किया। और ना सिर्फ ये कि उन्होंने नबी मानने से इनकार किया बल्कि उसके बाद उन्होंने जो फितने शुरू किए और उन्होंने जो फिरका यहूदियों की जो असल बुनियाद है या असल जो फिरका वजूद में आया जिसको आप और मैं मुनाफिक कहते हैं, निफाक जिसको हम कहते हैं, कि आपका जाहिर कुछ और हो बातिन कुछ और हो, आप अपने जबान से कुछ और अल्फाज निकाल रहे हो और आपके दिल में कोई और बात हो, या कुलूना भी अलसिनतिम मा लैसा फी कुलूबिहिम। और इंशाल्लाह सबसे पहले कि मैं ये बात कंप्लीट करूं मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप तमाम लोग सुकून के साथ बयान को सुने, बहुत ही नाजुक चीज है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज है, बिल्कुल भी मिस नहीं होना चाहिए, और बिल्कुल भी आप कोई भी पॉइंट को मिस नहीं करें। इंशाल्लाह आप में से जो भी नोट्स बना रहे हैं शॉर्ट में नोट्स बनाएं, लेकिन साथ ही साथ इस बात का बहुत ख्याल रखें कि किसी भी तरह के डिस्टर्बेंस आज के बयान में आपको ना मिले इंशाल्लाह। ठीक है, क्योंकि ये बहुत नाजुक चीज है, अगर एक पॉइंट आपके जहन से निकल गया वही शक का कीड़ा शैतान आपके जहन में डाल देगा, और वो चीज फिर क्या कर देगी आपको, सारे बयान पे आपके एक क्वेश्चन मार्क लग जाएगा कि फिर ऐसा क्यों। ठीक है, आज हम जो बैठे हुए हैं वो इस क्यों के ही बहुत सारे जो क्यों 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 है, जो बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स आपके और मेरे जहन में है कि ऐसा क्यों क्यों हजरत आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा अपने ही दामाद के खिलाफ निकली, क्यों दो मुस्लिम पार्टियां आपस में एक दूसरे के सामने खड़ी हुई, क्यों इतना कट्टो गारत गिरी हुई, क्यों जो है वो मुसलमानों ने ही मुसलमानों को कत्ल किया, हजारों की तादाद में जो है वो मुसलमान क्यों कत्ल हुए, क्यों किसी ने भी हुसैन रदी अल्लाह तआला की मदद नहीं की, क्यों यजीद ने ऐसा किया, क्यों मुआविया ने ऐसा रदी अल्लाह तआला ने ऐसा किया, क्यों अली रदी अल्लाह तआला ने ऐसा किया। तो ये जो तो बहुत सारे क्यों हैं जो क्वेश्चन मार्क्स है उनके जवाब के लिए आपको प्रेजेंट रहना होगा, और मैं बहुत कोशिश करूंगी इंशाल्लाह कि बहुत इस छोटे से वक्त में, ये बहुत कम वक्त है 2 घंटे का, जो हिस्ट्री है उसको समझने में। आवाज नहीं है, अगर किसी सबके लिए आवाज है, क्लियर है, तो सिस्टर नाजिन आप दोबारा से ज्वाइन करें। ठीक है, तो कोशिश मैं ये करूंगी कि इसमें मैं आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन जो आपके हैं उसका जवाब दे सकूं इंशाल्लाह। लास्ट तक आपके बहुत सारे क्वेश्चंस के जवाब आपको मिल जाएंगे, और इंशाअल्लाह मैंने ये नियत की है इस बयान को तैयार करने के बाद कि इंशाअल्लाह
अगर अगले साल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिंदगी दी तो हम जिस तरह हमने रमदान सीरीज की, दिलहज सीरीज की, इंशा अल्लाह अगली बार हम मुहर्रम सीरीज करेंगे और पूरी हिस्ट्री को और ज्यादा क्लियर करके और ज्यादा डीप में जाकर बहुत सारे हकीकतों के पर्दे हम इंशाल्लाह उठाएंगे इंशाल्लाह, अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेरी और आपकी जिंदगी में बरकत दी। और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें ये मौका दे, हमारी जिंदगियों को अल्लाह ताला तो इतना बढ़ा कि हम तेरा सही दीन सीख सके, तुझे राजी कर सके, और अल्लाह हम इस हाल में तेरे पास आए कि हमें हमारे इन तमाम सवालों के जवाब हमें मिल चुके हों इंशाल्लाह, आमीन या रब। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि ये वही फिरका है यहूदी जो जिसने निफाक को जन्म दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना आए तो मदीना आने के, मक्का जब तक थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सेफ थे क्योंकि जो आपका दुश्मन था वो सामने से आप पर वार कर रहा था, है ना। अटैक जो हो रहा था मक्का में जब तक आप थे, अटैक बिल्कुल क्लियरली था, सामने सामने था, दुश्मन अपनी दुश्मनी का इकरार कर रहा था, सीधा कह रहा था मैं नहीं मानता आप नबी हैं, मैं नहीं मानता आखरत है, मैं नहीं मानता मरने के बाद की जिंदगी है। आइदा कुन्ना इज़ामन नखिरा क़ालू तिलका इज़न कर्रतुन ख़ासिरा, आप कहते हो कि मरने के बाद दोबारा जिंदगी होगी, वो भूरी हुई हड्डियां जो कि भूरी भूरी हो गई हैं वो दोबारा से जिंदा होंगी, ये तो बहुत दूर की बात है। यानी सीधा सीधा इकरार जो दिल में है वो जबान पर है और दुश्मनी भी खुलकर कर रहे हैं, है ना। लेकिन जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना आए तो मदीना आने के बाद जो सबसे अहम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो सबसे इम्पोर्टेंट मरहला लगा वो ये था कि मुनाफिकों के साथ निपटना। यानी एक फिरका जो यहूदियों ने ही पैदा किया था वो उन लोगों का एक जो सरगना जो मेन हेड था अब्दुल्ला बिन उबई इब्ने सलूल, इसने निफाक का, ये मुनाफिकीन का सरदार था, और इसने ये स्ट्रेटेजी इस्तेमाल की, ये चाल चली कि उसने जबान से इकरार किया कि आप अल्लाह के रसूल हैं और मुझे भी आखिरत के दिन पर ईमान है, और उसके बाद उसने अल्लाह के रसूल के खिलाफ चाले चलना शुरू की, अपने हम ख्याल लोगों को अपने साथ मिलाया और मुनाफिकीन का एक बहुत बड़ा ग्रोह तैयार हुआ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत से यहूदियों के को मुल्क से निकाला। सूरतुल हश्र अगर आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि जो इनके बड़े तीन कबीले थे बनु नदीर बनु कुरैदा, इन सबको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो क्या किया, निस्तो नाबूद किया, इनके वजूद को खत्म किया, इनके इनको यानी यहूदियत को जो सबसे बड़ा नुकसान पहुंचा वो इस्लाम से पहुंचा, और यही वजह थी कि वो इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन बन गए। चाले इनकी चलते रहे ये लोग, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी आपने बहुत बार ये पढ़ा होगा कि मुनाफिकीन की वजह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत सारे नुकसान उठाने पड़े, और मुनाफिकीन ये वही थे जो कि असल में यहूदी थे लेकिन इन्होंने मुसलमान होने का ढोंग रचाया था। यानी इनके जो मर्द थे वो कुर्ता पजामा पहनते थे या जो भी इस्लामी लिबास था वो पहनते थे, साथ ही साथ वो लोग दाढ़ी रखते थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा पर, ये शो करने के लिए कि हम जो है वो क्या है, अल्लाह के रसूल से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं इसलिए हमने अपनी शक्ल अल्लाह के रसूल के जैसी बनाई हुई है। इसी तरह से ये लोग 5 वक्त की नमाजें पढ़ते थे, ये रोजे भी रखते थे, ये जंगों में भी जाते थे, लेकिन मकसद कुछ और था, अंदर से ये आप लोगों के साथ नहीं थे, मुखलिस नहीं थे। इसी तरह जो इनकी औरतें होती थी ये दर्स में आती थी, मस्जिद नबी में नमाज पढ़ने आया करती थी, ये बाकायदा बुरके की पाबंदी करती थी, हिजाब सख्ती से पाबंदी, हिजाब को इस तरह शो करती थी कि अगर हिजाब नहीं है तो इनका वजूद नहीं है, और जिक्र और अस्कार में मशगूल रहना, ज्यादा से ज्यादा जिक्र करना, यानी ये शो करना कि हम दिन रात अल्लाह का जिक्र करते हैं, ये ऐसी कुछ इनकी सिफात थी जिसकी वजह से ये मुसलमानों को क्या किया करते थे, धोखा दिया करते थे। और ये फिरका मुसलसल जारी रहा, और इसीलिए कुरान ने इनके ताल्लुक से जो एक हुक्म दिया कि इन्नल मुनाफिकीन फिद दर्किल असफली मिनन नार, जब जहन्नम में काफिरों को, मुशरिकों को और उन गलत अकीदे वालों को डाला जाएगा तो सबसे नीचे के तबके में, सबसे जो आग की बेस है, जो बुनियाद है, वहां जिसको डाला जाएगा वो कौन होगा, मुनाफिकीन होंगे। इन्नल मुनाफिकीन फिद दर्किल असफली मिनन नार, मुनाफिकीन के ताल्लुक से अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया इस्तग़फिर लहुम औ ला तस्तग़फिर लहुम इन तस्तग़फिर लहुम 70 मर्रा लन यग़फिर अल्लाहु लहुम, आप इनके लिए इस्तग़फार करें या ना करें, अगर आप इनके लिए अपने दिन में, अपने एक दिन में अगर आप 70 मर्तबा भी इस्तग़फार करेंगे
ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला आपके अस्तगफार को कबूल नहीं करेगा। तो ये जो फिरका था ये कंटिन्यू चलता रहा, अल्लाह के रसूल सल्लम के दौर में भी रहा, लेकिन चूंकि अल्लाह के रसूल सल्लम को जो सहाबा का सपोर्ट था, इनकी हिम्मत इतनी नहीं हुई कि ये खुलकर सामने आए। उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो जाता है सन 10 नबी में, 10 हिजरी में। और उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो खलीफा बनते हैं वो हैं अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु। अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु अपनी मर्जी से, अपनी ख्वाहिश से, या खुद को पेश नहीं किया कि मुझे खलीफा बनाऊं, बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में ही इशारा दे दिया था। जब अल्लाह के रसूल नमाज नहीं पढ़ा पा रहे थे तो आपने कहा कि मेरी जगह पर अबू बकर को खड़ा कर दो। और इसी तरह बहुत सारी रिवायत मिलती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कौल से, अपने अमल से और अपनी तकरीर से, यानी जो खामोशी इख्तियार की, उससे, इन तीनों तरीके से आप ने उमर अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह उनकी खिलाफत को जो है खिलाफत का इशारा दे दिया था। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद फौरन ही अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु को क्या बना दिया गया, खलीफा बना दिया गया, अमीरुल मोमिनीन जो कहते हैं हम, वो बन गए। अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु की जो खिलाफत है वो सिर्फ 2 साल है, यानी आपकी खिलाफत के दूसरे साल 2 ही साल मुकम्मल हुए और आपका इंतकाल हो गया। ठीक है, इनकी खिलाफत अगर पूरी मुद्दत लेते हैं तो 2 साल 3 माह 10 दिन है, यानी 2 ईयर 3 मंथ्स एंड 10 डेज। ठीक है, 11 हिजरी में ये जो है वो खलीफा बन रहे हैं और 13 हिजरी में ये इनका इंतकाल हो गया। इनके इंतकाल के बाद उमर फारूक ये खलीफा बनते हैं और इनकी खिलाफत काफी लंबी है, इनकी 10 साल की खिलाफत है। चूंकि अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में, अबू बकर सिद्दीक जब खलीफा थे रदी अल्लाह अन्हु, उस वक्त उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु का वजूद मौजूद था और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ख्वाब में ये बताया था कि एक बहुत मजबूत दरवाजा है, जब वो दरवाजा तोड़ दिया जाएगा तो उम्मत में फितने तेजी से दाखिल हो जाएंगे, यानी फितनों को रोकने वाला एक दरवाजा है, यानी एक बहुत, समझ लीजिए कि एक बहुत मजबूत दरवाजा है, जब वो दरवाजा टूट जाएगा तो फिर उम्मत में क्या हो जाएगा, फितना और फसाद फैल जाएगा और फिर जो तलवार उठेगी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था वो कयामत तक नहीं रुकेगी, यानी फिर कयामत तक तलवारें अंदर नहीं जाएंगी। तो उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु जब इसकी तावील पूछी गई तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद से ये पता चला कि वो उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु थे जो एक मजबूत दीवार थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में ही सहाबा ने आपसे ये सवाल किया था कि ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो दरवाजा टूटेगा या उसे तोड़ा जाएगा, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि उस दरवाजे को तोड़ा जाएगा, यानी ये इशारा था इस बात की तरफ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इशारा दिया था कि उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु शहीद किए जाएंगे, अपनी फितरी मौत नहीं मरेंगे। और आप और मैं जानते हैं 1 मुहर्रम को उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत है, यानी आपको जो तीर लगा था वो जिलहज के आखिर में लगा और 2 या 3 दिन के बाद आपकी क्या हो गई, शहादत हो गई। तो आपकी जो खिलाफत है 10 साल 4 महीने 4 दिन, 10 साल 4 महीने 4 दिन की खिलाफत है, यानी 13 हिजरी में जब अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु का इंतकाल हुआ है तो उसके बाद 13 हिजरी में ही उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा बने और 23 हिजरी तक आपकी खिलाफत रही, 13 से 23 हिजरी। ठीक है, चूंकि उमर फारूक जो थे ये काफी मजबूत ईमान के, और ईमान तो तमाम सहाबा का मजबूत था, लेकिन इनके अंदर आप सबको पता है कि एक सख्ती थी, फैसला लेने की कुव्वत थी और ये इमोशनल नहीं होते थे जिंदगी, यानी कोई आकर रो दिया तो फौरन इमोशनल हो जाना, किसी ने कोई बात कर दी, यानी नरमी नहीं थी इनके अंदर दीन के मामले में और अहकाम के मामले में, इनके अंदर नरमी नहीं थी, इसलिए लोग इनसे बात करते वक्त डरते थे। आपने कई हदीसें सुनी होंगी जिसमें कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए हैं, अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु बैठे हैं और कोई बंदा आया और कुछ गलत बात कही तो फौरन अबू बकर सिद्दीक खामोश हैं, लेकिन उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु फौरन खड़े होकर क्या कहते हैं, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे इजाजत दीजिए मैं इसका सर कलम करूं, है ना। एक शख्स को आपने देखा कि वो जो है क्या कहते हैं चल रहा है और थोड़ा एकदम झुकी हुई चाल चल रहा है, सर को झुकाए हुए, ये दिखा रहा है कि मैं बहुत अल्लाह का आजिज बंदा हूँ। उनके हाथ में एक दुर्रा था, एक लकड़ी थी, उसी से उसको डराते हुए कहते हैं सीधे से चल, और ये कोई परहेजगार की तकवे की चाल, तकवे वाले की चाल नहीं है, ये इस तरह से दिखावटी अंदाज मत इख्तियार कर,
और एक नॉर्मल चाल चल, आराम से चल, लेकिन इस तरह से मत दिखा। तो ये भी साबित करता है कि उमर रदी अल्लाह की फितरत में एक सख्ती थी। अल्हम्दुलिल्लाह उनको मैनेज करना आता था, उनको पता था कि किस तरह से हैंडल करना है सिचुएशंस को, ठीक है। इसलिए फितने अपना सर नहीं उभार सके, आगे नहीं बढ़ सके। ये नहीं था कि फितना नहीं था, फितीन मौजूद थे। और आप अगर इंशाल्लाह जब अगली बार हम पढ़ेंगे तो हम तमाम चीजों को कवर करते हुए चलेंगे कि फितने और फितना करने वाले मौजूद थे। उसके बाद उस्मान रदी अल्लाह तआला अन्हु जो है वो खलीफा बने सन 24 हिजरी को, और 24 हिजरी से 35 हिजरी यानी 11 साल 11 महीने 22 दिन आपकी खिलाफत रही। उस्मान रदी अल्लाह तआला अन्हु की अभी तक में सबसे ज्यादा खिलाफत रही, और वो है 11 साल 11 माह 22 दिन। लेकिन उस्मान रदी अल्लाह तआला अन्हु के ताल्लुक से अगर आप इनकी सीरत पढ़ेंगे और अगर आप तारीख का मुताला करेंगे सही सनद वाली, तो आपको पता चलेगा कि उस्मान रदी अल्लाह तआला अन्हु बहुत ज्यादा नर्म दिल थे। जल्दी किसी को सजा नहीं देते थे, जल्दी किसी को पनिशमेंट नहीं देते थे, और बहुत नरमी के साथ, चलो ठीक है हो जाएगा, अच्छा चलो छोड़ दो हो जाएगा मान जाएगा, और नहीं अभी अभी मासूम है, अभी इस तरह है, यानी काफी इनके अंदर जो है वो सहूलतें देने वाला इनका जो है मामला था। और यही वजह थी कि उस्मान रदी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे खिलाफत में जो है इतनों ने सर उठाना शुरू कर दिया, ठीक है। और ये जो फितने शुरू हुए इसकी शुरुआत हुई है उस्मान रदी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत से। इससे पहले ये बात भी समझ लें कि उस्मान रदी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में जो सबसे पहला बंदा जिसको आप शिया फिरके का बानी कह सकते हैं, एक्चुअली शिया कहते हैं ग्रुप को, एक ऐसा ग्रुप जो मदद करता है। इसीलिए बाब उलमा कहते हैं कि शिया जो है उनको हम शिया नहीं कह सकते, राफदी कहते हैं, राफिदी रफादा से जिन्होंने रफद किया। लेकिन हम नॉर्मली उनको अपनी टर्म्स में अगर मैं राफदी कहूँ तो आप में से बहुत सारे लोग नहीं समझेंगे, तो हम उनको शिया ही कहेंगे, ठीक है। तो जो शिया फिरके की जो बुनियाद रखने वाला सबसे पहले जो फितना बर्पा करने वाला जो किरदार था वो अब्दुल्ला बिन सबा का था। नाम को नोट कर लें इंशाल्लाह, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, अब्दुल्ला बिन सबा यानी सबा का बेटा अब्दुल्ला। एक्चुअल में ये मुनाफिक था, ठीक है, और ये यहूदी था, एक्चुअल यहूदी था और मुनाफिकत की चाल चलकर आया था, बहुत ज्यादा स्मार्ट। और ये असल में जो रहने वाला था वो शहर सनआ, यमन में एक शहर है सनआ, वहां का रहने वाला था। और चूंकि ये यहूदी था, बेसिकली ये यहूदी यहूद खानदान में पैदा हुआ था, इसलिए इस्लाम की वजह से जो यहूदियत को नुकसान पहुंचा था, जो जिला वतन किए गए थे, मुल्क से निकाले गए थे, जो उनकी जिल्लत हुई थी और उनको जो रुसवाई मिली थी, इससे ये बहुत ज्यादा दुश्मनी पाले हुए था। इसी दुश्मनी की बिना पर अब्दुल्ला बिन सबा ने मंसूबे के साथ, पूरी प्लानिंग के साथ उस्मान रदी अल्लाह तआला के दौर में सन 33 हिजरी में ये सनआ से मदीना आया, ठीक है। यानी उस्मान रदी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा बन रहे हैं 24 हिजरी में, और अब्दुल्ला बिन सबा सनआ यमन से मदीना आ रहा है सन 33 हिजरी में, यानी आपकी शहादत के बिल्कुल 2 साल पहले। सन 33 हिजरी में ये आया है, और 35 हिजरी में इमाम जो हमारे सैयदना उस्मान रदी अल्लाह तआला ने ये शहीद कर दिए गए, ठीक है। अब इसके बाद कुछ मुमालिक की मैं आपको थोड़ा सा वो करूंगी कि जब उस्मान रदी अल्लाह तआला की खिलाफत थी तो उस वक्त बसरा, कूफा, मिस्र और शाम, ये चार बहुत ही मेन सिटीज थी, स्टेट्स थी जहां पर इस्लामी हुकूमत कायम थी। कौन कौन सी? बसरा, कूफा, ठीक है, इराक में जो है कूफा, और मिस्र और शाम, दमिश्क, ठीक है। क्या क्वेश्चन है? 35 हिजरी, 35 हिजरी में उस्मान रदी अल्लाह उनकी शहादत हुई है, और अब्दुल्ला बिन सबा 33 हिजरी में मदीना आ रहा है, ठीक है। अब अब्दुल्ला बिन सबा की कारस्तानी थोड़ा सा शॉर्ट में मैं बताऊं आपको। अब्दुल्ला बिन सबा ने सबसे पहले
ये बसरा गया, ठीक है, बसरा गया। बसरा जाने के बाद इसने वहां के लोगों में ये क्या कहते हैं, ख्यालात पैदा किए, कुछ क्वेश्चंस उसने बनाए थे। ये पूरी प्लानिंग से आया था, तो इसके पास क्वेश्चंस थे, इसके पास डाउट्स थे कि मुझे क्या कहकर जो है वो लोगों को अपने फेवर में करना है, यानी कैसे मैं अपना काम करूंगा, मेरी चाल कैसे मैं मजबूत करूंगा। तो इसके लिए इसके पास कुछ क्वेश्चंस इसने बनाए थे उस्मान रजी अल्लाह तआला के खिलाफत को मद्देनजर रखते हुए, ठीक है। उसमें इसका सबसे पहला जो नजरिया इसने पेश किया बसरा के लोगों में, यानी इसने ये शो किया कि मैं बहुत मुत्तकी हूँ, परहेजगार हूँ, और मैं जो है वो अल्लाह से बहुत ज्यादा डरने वाला हूँ, और लेकिन मैं और अम्र बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर करता हूँ, यानी दीन की दावत देता हूँ। और इसी दावत के तहत उसने कुछ दावतें लोगों के जहनों में पैदा करनी शुरू की, कुछ डाउट्स पैदा करने शुरू किए उस दौरान जब वो दावत का काम कर रहा था। उसमें पहला उसका जो उसने वार किया वो अकीदे पर किया। उसने कहा कि खिलाफत जो है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईसा अलैहिस्सलाम की तरह इस दुनिया में दोबारा तशरीफ लाएंगे, ये उसका अकीदा था। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह ईसा अलैहिस्सलाम आने वाले हैं, उसी तरह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी दोबारा इस दुनिया में तशरीफ लाएंगे। दूसरा उसने जो मेन चाल चली वो ये थी, स्पेशली अहले बैत में, के खिलाफत जो है वो अली रदी अल्लाह तआला अन्हु का हक है, अल्लाह के रसूल के चचा के बेटे हैं, आपकी परवरिश में रहे हैं और अहले बैत में से हैं, तो उस्मान और उमर और अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अन्हु अजमईन से ज्यादा जो खिलाफत का हक है वो अली रदी अल्लाह तआला अन्हु को है। और इसने लोगों में ये अकीदा डाला, ये सोच डाली कि इन लोगों ने जबरदस्ती, क्योंकि अली रदी अल्लाह तआला अन्हु छोटे थे, इसलिए इन लोगों ने जबरदस्ती खिलाफत ले ली और अली को इससे क्या कर दिया, महरूम कर दिया। इसका इस तरह के ख्यालात इसने लोगों में क्या करना शुरू कर दिया, पहुंचाना शुरू कर दिया। इसके अलावा उसने ये भी ख्याल लोगों के दिमाग में डाला कि उस्मान रदी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने खास खास लोगों को ही क्या किए हैं, मनसब दिया है, यानी जो जब उनकी खिलाफत कायम हुई है तो बड़ी बड़ी जो पोस्ट है, बड़े बड़े जो हुकूमत के ओहदे हैं, पोस्ट जो है बड़ी बड़ी, वो उसने उन्होंने यानी उस्मान रदी अल्लाह तआला ने अपने रिश्तेदारों को दिए हैं, ठीक है। तो इससे उन्होंने ये साबित किया कि उस्मान रदी अल्लाह तआला ने अपने खानदान का कितना ख्याल रख रहे हैं, तो अली रदी अल्लाह तआला का हमें कितना ख्याल रखना चाहिए, अल्लाह तआला अपने अपनों को ओहदा दे रहे हैं, तो हमें नबी के चचाजात भाई होने के अतबार से अली रदी अल्लाह तआला को उस्मान रदी अल्लाह तआला का ओहदा देना चाहिए। जो जो बसरा के जो हाकिम थे, यानी वहां के जो मेन गवर्नर थे, वहां के जो लीडर थे, अब्दुल्ला बिन आमिर, जब उनको इस फितने का इल्म हुआ तो उन्होंने अब्दुल्ला बिन सबा को बुलाया, पूछा तुम कहाँ से आए हो, कौन हो? तो उसने जवाब दिया कि मैं जो है वो क्या हूँ, मुसलमान हूँ, इस्लाम से दिलचस्पी रखता हूँ और मुझे इस्लाम मजहब बहुत पसंद है, और मैं यहूदी था लेकिन मैं अब आपकी ही रियाया बनकर जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। लेकिन अब्दुल्ला बिन आमिर ने जो इनको बुलाया था, ये ऐसे नहीं बुलाया था बल्कि इन्होंने पूरी तहकीक की थी, तो उन्होंने कहा कि मुझे तुम इस्लाम के चोले में यहूदी मालूम होते हो, तुम्हारे जो ख्यालात हैं, तुम्हारी जो फिक्रें मैं सुन रहा हूँ, तुम्हारा जो कॉन्सेप्ट है लोगों को समझाने का, दावत का, उससे मैंने ये अंदाजा लगाया है कि तुम यहूदी हो। इब्ने सबा जो है, अब्दुल्ला इब्ने सबा ने जब अब्दुल्ला बिन आमिर की बात हो गई और उन्होंने उसको अल्टीमेटम दे दिया कि मैं तुम्हें वॉर्न करता हूँ कि इस तरह के ख्यालात से बाज आ जाओ वरना सख्त एक्शन लिया जाएगा, तो इसने अब ये उसको समझ आ गया कि मेरा बसरा में क्याम मुमकिन नहीं है, मैं यहाँ पर अपनी चाल नहीं चल सकता। लेकिन उसने अपने से ऐसे बहुत सारे लोगों को क्या बना चुका था, अपना हम ख्याल बना चुका था। अब इसने बसरा छोड़ा और फौरन ये रवाना हुआ कूफा की तरफ, जिसको अली रदी अल्लाह तआला उन्होंने बाद में अपना दारुल खिलाफत बना लिया था, जैसे मदीना को हटाकर, आगे इंशाल्लाह बात आएगी, ठीक है। तो बसरा हो गया, बसरा में इसने अपने ख्यालात का प्रोपेगेंडा कर लिया, अब ये निकला कूफा की तरफ। कूफा में जब ये पहुंचा तो इसने और ज्यादा लोगों में ये शो किया कि ये बहुत ज्यादा मुत्तकी है, परहेजगार है, और रिवायतों में आता है कि ये इतनी तकवे की जिंदगी गुजारता था, और इतना इसने ऐसे शो किया कि लोग इसकी मिसाल दे देते कि भाई अब्दुल्ला बिन सबा जैसा तकवा होना चाहिए, उसके जैसा जुहद होना चाहिए, उसके जैसी जो है वो अल्लाह का डर होना चाहिए, ठीक है।
और साथ ही साथ वो उस लबादे में उस्मान रदी अल्लाह तआला के खिलाफ लोगों को भड़काता रहा। यहाँ पर उसने एक बहुत बड़ा ग्रोह तैयार कर लिया, बसरा में भी तैयार किया, लेकिन उससे ज्यादा बड़ा ग्रोह उसको कूफा में मिला। जब कूफा में इस फितने का चर्चा हुआ, यानी बात पहुंचते पहुंचते जो है वहां के गवर्नर सईद बिन आस रदी अल्लाह तआला अन्हु को पहुंची, जो कि अमर बिन आस के बेटे थे, तो उन्होंने उसको बुलवाकर डांटा और वहां के जो है वो नेक लोगों को इसके फितने से खबरदार किया। यानी बाकायदा अनाउंसमेंट की गई कि अब्दुल्ला बिन सबा नाम का एक बंदा है, वो इस तरह के गलत अकीदे फैला रहा है और इस तरह से जो है वो उस्मान रदी अल्लाह उनके खिलाफत के खिलाफ भड़का रहा है, तो इसलिए इससे बाज रहो, इसके इसके चालों में मत आओ, इसका इसका तकवा और इसकी सब बातें मत देखो। फिर अब्दुल्ला बिन सबा बसरा की तरह कूफा में भी एक जबरदस्त जमात तैयार करने में कामयाब हो गया। यानी बसरा में भी इसकी एक फौज तैयार हो गई, इसकी एक पार्टी तैयार हो गई, कूफा में भी एक बड़ी इसकी क्या हो गई, पार्टी तैयार हो गई। और ये जो कूफा है ये ला यूफा है, कूफी ला यूफी, ये बहुत ही मशहूर सेंटेंस आप सुनते होंगे कि कूफी जो है, जो इराक में है, जो इराक का जो कैपिटल है, ये ला यूफी, इन पे कभी भी भरोसा नहीं करना, इन पे कभी भरोसा नहीं कर सकते। ये ऑलरेडी उस्मान रदी अल्लाह तआला के खिलाफ था, इसलिए जब अब्दुल्ला बिन सबा ने अपने ख्याल पेश किए तो ये फौरन वहां के लोगों ने इसको अपना लीडर मान लिया। तो अब्दुल्ला बिन सबा को जो सबसे बड़ी कामयाबी, सबसे ज्यादा कामयाबी मिली है वो कूफा में मिली है। ठीक है, अब उसके बाद अब्दुल्ला बिन सबा अपने मकसद को कामयाब करने के लिए कूफा से निकलकर दिमश्क यानी शाम की तरफ रवाना हुआ। काम देखिए किस तरह से हो रहा है। ठीक है, ये अब बसरा हो गया, कूफा हो गया, अब ये कहाँ निकला है, शाम की तरफ दिमश्क। वहां के हालात का जायजा लेकर वहां उसने देखा कि यहाँ मैं क्या काम कर सकता हूँ। वहां उसने देखा कि यहाँ के लोग उस्मान रदी अल्लाह तआला के फेवर में हैं, अमीर माविया को नापसंद करते हैं, इसलिए उसने अमीर माविया को बदनाम करने की कोशिश शुरू कर दी। अब उसने अमीर माविया पर भी बहुत सारे इल्जाम लगाए कि अमीर माविया ने अबू जर गफारी रदी अल्लाह को शाम से निकाल दिया है ना, क्योंकि अबू जर गफारी एक बहुत बड़े तकवे वाले सहाबी थे, तो अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला ने जो है वो गलत फैसले किए, अबू जर गफारी उनके फैसलों को, उनके गलत बातों को बर्दाश्त नहीं कर सके, उन्होंने रोक टोक की, तो फिर अमीर मुआविया ने उनको क्या कर दिया, दिमश्क से यानी शाम से निकाल दिया, जबकि ये झूठा इल्जाम था। ठीक है, शाम में उसका मंसूबा कामयाब नहीं हो सका, इसको इम्पोर्टेंट करके नोट करें आप, शाम में इसको ज्यादा कामयाबी नहीं मिली, क्योंकि शाम जो है ये पहले से ही अंबियाओं का मस्कन रहा है, यहाँ के लोगों का ईमान काफी मजबूत रहा है, इस वजह से शाम में इसको बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं मिला, इसका एक बहुत बड़ा जो है वो ग्रो नहीं तैयार हो सका, इसलिए वो वहां ज्यादा वक्त रुका भी नहीं और उसने वहां से मिस्र का रुख कर लिया, बसरा से कूफा, कूफा से शाम, और अब शाम से वो कहाँ पहुंच रहा है, मिस्र। मिस्र पहुंचकर उसने जो उसके अपने एक्सपीरियंसेस थे उसकी बुनियाद पर बहुत ज्यादा एहतियात के साथ, बहुत ज्यादा प्रिकॉशंस के साथ उसने काम शुरू किया और अपनी पूरी ताकत, अब यहाँ पर वो किसी को बुरा भला नहीं कह रहा है, मिस्र में उसने किसी को बुरा भला नहीं कहा, ना अमीर मुआविया को बुरा भला कहा, ना उस्मान रदी अल्लाह तआला को बुरा भला कहा, बल्कि अब यहाँ पर उसने अपनी पूरी कुव्वत, पूरी ताकत, मोहब्बत, अहले बैत और अली रदी अल्लाह तआला की हिमायत में सर्व की। यानी उसको ये अब एक्सपीरियंस हो गया कि मैं जब किसी के खिलाफ बोल रहा हूँ तो मेरी शिकायत हो जा रही है, तो जब मैं किसी के फेवर में बोलूंगा तो मुझे कोई पकड़ नहीं पाएगा, तो इसने ग्लू करना शुरू कर दिया अली रदी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में। और आप सबको पता होना चाहिए कि अब्दुल्ला बिन सबा ही है जिसने सबसे पहले ये अकीदा पैदा किया लोगों के अंदर कि अली ही इला है, अली ही इला है, यानी अली ही खुदा है, नऊज़ु बिल्ला। मिस्र के गवर्नर अब्दुल्ला बिन साद के खिलाफ वहां के मकामी लोगों को शिकायत थी, यानी कुछ वहां के गवर्नर के बारे में जो वहां के लोग थे उनको कुछ शिकायतें थी, लेकिन लिहाजा अब्दुल्ला बिन सबा को यहाँ थोड़ी कामयाबी मिल गई, क्योंकि ऑलरेडी लोग क्या है किसी के ताल्लुक से बदजन है, तो आपके लिए आसान हो जाता है अपना काम करना। ठीक है, अब यहां से इब्ने सबा ने खत लिखना शुरू किया, इसका इसका काम देखिए किस तरह से हो रहा है। इब्ने सबा ने मिस्र में बैठकर खतो किताबत का काम शुरू किया, एक जाल फैलाया, मिस्र, कूफा, बसरा और मदीना के दरमियान, जिनमें ये जो खत लिखता था, यानी मिस्र में रहकर इसने मिस्र के ही
कुछ दूसरी सिटीज की तरफ और कूफा की तरफ, बसरा की तरफ, मदीना की तरफ इसने जो खत लिखे उसमें उसने उस्मान रदी अल्लाह तआला अन्हु को जो जो गवर्नर्स हैं, जो मेन पोस्ट पर हैं, जो लीडर्स हैं, उनके खिलाफ कि ये लोग बहुत जुल्म कर रहे हैं और ये लोग इस तरह से कुरान और सुन्नत के खिलाफ फैसले कर रहे हैं, फुला गवर्नर ने ये जुल्म किया है, फुला ने इस तरह से जुल्म ज्यादती का बाजार गर्म रखा है। अब ये खत उस्मान रदी अल्लाह तआला अन्हु के पास भी पहुंचा तो उन्होंने अम्मार बिन यासिर को मिस्र की तरफ रवाना किया, मोहम्मद बिन मुस्लिम को कूफा की तरफ, ये मालूम करने के लिए कि ये सब चीजें सही हैं या नहीं। जब ये दोनों वहां पहुंचे तो वहां के लोगों ने इनको भी अपने साथ मिला लिया, यानी झूठी बातें बताकर, झूठे वाकयात बताकर इन लोगों ने उनको अपने फेवर में कर लिया। अब्दुल्ला बिन सबा अपने मिशन में कामयाब हो गया और एक बाकायदा तहरीक उस्मान रदी अल्लाह तआला अन्हु के खिलाफ शुरू हुई। ठीक है, उसके बाद ये जो चार ममालिक मैंने आपको बताए हैं, कूफा, बसरा और शाम और मिस्र, यहाँ के बहुत सारे लोग, यानी जो भी इसको मानने वाले थे अब्दुल्ला बिन सबा को, ये लोग हज के बहाने निकले। ठीक है, हज के बहाने ये लोग निकले और एक जगह जमा होकर, जहां पर कि एक मेन सेंटर था जहां से कि ये लोग मक्का की तरफ जाते, बहाना ये किया था, पार्टीज की शक्ल में निकले, 1,000 2,000, यानी मिस्र से 1,000 निकल रहा है और कूफा से 2,000 3,000, इस तरह से ये लोग जो है वो क्या हो गए, निकले। तो एक जगह ये लोग जमा हो गए, एक जगह जमा हुए, एक सेंटर पॉइंट इन लोगों ने अपॉइंट किया कि यहाँ हम सब मिल जाएंगे। अब जाना था, इनको हज करने के बहाने निकले थे तो इनको जाना चाहिए था मक्का, लेकिन ये कहाँ चले गए, मदीना, क्योंकि इनका असल टारगेट, इनका असल मकसद हज करना नहीं था, बल्कि इनका असल टारगेट था उस्मान रदी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद करके उम्मत में तफरुका पैदा करना, फितना पैदा करना और अली रदी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह का इलाह बनाना, यानी इलाह इलाह जो है, अल्लाह जो है वो अली रदी अल्लाह तआला अन्हु ही है, ये उसको लोगों के अंदर ये जो है वो क्या कहते हैं अकीदा पैदा करना था इस वजह से। ठीक है, और उसने अब्दुल्ला बिन सबा ने अली रदी अल्लाह तआला अन्हु के मुतालिक जो बहुत सारे गलत अकायद फैलाए, तो उसके साथ साथ ये भी कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो असल वही थी, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई, वो अली पर नाजिल हुई थी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूंकि घर के बड़े फर्द थे, उन्होंने ले लिया, तो अब जो है वो खिलाफत और हुकूमत जो भी होगी वो सिर्फ अली रदी अल्लाह तआला अन्हु और उनके घराने का हक है, यानी अली रदी अल्लाह तआला ने अन्हु उनके बेटे उनके पोतों तक ही ये खिलाफत रहेगी, किसी और को खिलाफत नहीं मिल सकती है। ठीक है, और उसने ये भी अकीदा लोगों में फैलाया कि अबू बकर, उमर फारूक और उस्मान रदी अल्लाह तआला अन्हु ने खिलाफत पर कब्जा कर लिया था। तो अब उस्मान रदी अल्लाह तआला अन्हु को खिलाफत से हटाना और खिलाफत अहले बैत के यानी अल्लाह के घर वालों के कब्जे में कर देना हर मुसलमान पर फर्ज है, यानी उसने ये कहा कि उस्मान रदी अल्लाह तआला अन्हु के खिलाफ जंग करना हर मुसलमान पर फर्ज है। ठीक है, सुलेमान बिन महरान अल आमश रहिमहुल्ला फरमाते हैं कि ताबईन कराम समझते थे कि मलऊन इब्ने सबा ने उम्मुल मोमिनीन आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हु के उसलूब पर साजिशी खत लिखे, यानी आप सोच सकते हैं कि इन लोगों की प्लानिंग कितनी थी कि जो अंदाज या जिस कातिब से उस उम्मुल मोमिनीन आयशा रदी अल्लाह तआला ने खत लिखवाया करती थी, उनके नाम पर उनके जैसे उसलूब पर उसने खत लिखा, यानी सामने वाले को जब खत पहुंचे तो उसे ये पता चले कि ये खत उम्मुल मोमिनीन आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ से आया। अलबिदाया व निहाया में इब्न कसीर रहिमहुल्ला फरमाते हैं और फरमाते हैं कि इसकी असर जो है, इस असर की जो सनद है वो सही है, यानी ये कोई फर्दी बात नहीं है, और इस तरह के तमाम खतूत उसने अलग अलग सहाबा के नाम पर, उम्मुल मोमिनीन आयशा रदी के नाम पर तमाम सूबों और फौजी छावनियों की तरफ लिखे, और उनमें उस्मान बिन अफ्फान की बुराई की जाती थी, यानी जो खत लिखा जाता था उसमें उस्मान रदी अल्लाह तआला की बुराई, उनके फैसले गलत है, उनके जो गवर्नर्स हैं वो लोग जुल्म कर रहे हैं, ज्यादती कर रहे हैं, ये हर एक को खत पहुंचना शुरू हो गया। अब एक है कि आपको एक एक मैसेज कोई आता है कि भाई फुलाबंदी ऐसी है तो आप उसको इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन फिर कहीं और से मैसेज आ रहा है, फिर थर्ड मैसेज आ रहा है, फोर्थ मैसेज आ रहा है, तो आप कहेंगे भाई सब क्यों कह रहे हैं, कुछ तो वजह होगी, कोई तो मसला होगा, है ना, फिर आप तहकीक करते हैं तो फिर आप हकीकत तक पहुंचते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से इसने सहाबा के नाम पर,
आयशा रदी अल्लाह तआला के नाम पर खतूत रवाना करना शुरू कर दिए, खत पहुंचना शुरू हो गए। मुख्तलिफ सूबों में, मुख्तलिफ जो स्टेट्स थे वहां पर अब्दुल्ला इब्ने सबा के एजेंट पहले से ही मौजूद थे और वो इस तरह की खतो किताबत कराया करते थे। यानी इस काम के लिए भी उसने अपनी एक टीम तैयार करके रखी थी, जो कि हैंड राइटिंग को कॉपी करते थे और सेम सिग्नेचर करते थे, या जो साइन उस वक्त की जो भी तरीका था वो उस तरह को उसको फॉलो करके उम्मत में इन लोगों ने बहुत सारी नफरतें फैलाई। ठीक है, उसके बाद इन पर जो उस्मान रदी अल्लाह तआला अन्हु को क्या किया गया, इनका जब ये पूरा जो गट्ठा था कूफा बसरा और मिस्र से आया हुआ, ये सब के सब उस्मान रदी अल्लाह तआला अन्हु के घर पर पहुंचे और कूफा से 1,000 का और मिस्र से 1,000 का काफला, इसी तरह से बसरा से 1,000 का काफला, यानी कम से कम ये 4 से 5 हजार लोग थे जो मदीना की तरफ रवाना हो गए। और इन लोगों ने उस्मान रदी अल्लाह तआला अन्हु के घर को क्या कर लिया, घेर लिया। ये असल शहादत है जो मैंने पढ़ा है, जितनी मैंने तहकीक की और जितना मैंने इस टॉपिक को कवर किया उसमें मुझे ये लगता है कि सबसे दर्दनाक जो शहादत हुई है वो उस्मान रदी अल्लाह तआला अन्हु की है, जबकि इसका कोई जिक्र ही नहीं मिलता। ठीक है, उस्मान रदी अल्लाह तआला अन्हु की कुछ फदाइल पहले हम समझ लें कि एक मामूली बंदा नहीं है, एक आम बंदा नहीं है जिसको कत्ल करने के लिए, शहीद करने के लिए ये लोग जमा हुए हैं। ठीक है, उस्मान रदी अल्लाह तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर गज़वे तबूक में 1,000 दीनार आपकी गोद में डाल दिए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन दीनारों को उल्टा पलटा रहे थे और आपने इस मौके पर 2 मरतबा फरमाया था, आज के बाद उस्मान कोई अमल भी, वो भी कुछ भी कर ले, उसको उसका कोई अमल नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अबू मूसा अशरी रदी अल्लाह फरमाते हैं कि उस्मान रदी अल्लाह तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आने की इजाजत मांगी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दरवाजा खोल दो और उसको एक मुसीबत की बिना पर जन्नत की बशारत दे दो। यानी उसको बता दो कि तुझ पर एक ऐसी मुसीबत आएगी जिसके बदले में तुझे जन्नत मिलेगी। इस तरह से बहुत सारे फदीलतें हैं, चूंकि हम फदीलतें बहुत पढ़ चुके हैं, मेन हमारा मकसद है तह में जाना कि हुआ क्या था, इसलिए मैं उनकी फदीलत ज्यादा नहीं बताऊंगी, लेकिन उनको किस तरह से शहीद किया गया ये मैं जरूर आपको बताऊंगी। ठीक है, उस्मान रदी अल्लाह तआला अन्हु के घर को घेर लिया गया। जब ये खबर, यानी 30 दिन तक, 40 40वें दिन उस्मान रदी अल्लाह शहीद किए गए, 30 डेज यानी 1 महीना 10 दिन, तो जब 1 महीने 30 दिन पूरे हुए और जब लोगों में ये बात मक्का मदीना से बाहर जब ये बात पहुंची, मक्का पहुंची, क्योंकि उस वक्त ये आज का दौर नहीं था, कोई कासिद जाएगा, कोई घोड़सवार जाएगा और कोई काफिला जाएगा तो खबर पहुंचेगी। जब तक ये खबर मदीना के बाहर पहुंची, यानी बसरा जहां जहां इस्लामी हुकूमत थी, वहां के सूबों ने फौजी इमदाद, फौरन फौज तैयार की और उस्मान रदी अल्लाह तआला की मदद के लिए भेजना शुरू किया, लेकिन वक्त पर ना पहुंच सके। उससे पहले ही उस्मान रदी अल्लाह तआला क्या कर दिए गए, शहीद कर दिए गए। उस्मान रदी अल्लाह तआला के घर को 30 दिन तक बंद रखा गया, ना आपको मस्जिद में आने जाने दिया जाता था यानी कि आप नमाज पढ़ लें, और ना ही पानी अंदर जाने का कोई इंतजाम था। इन 30 दिनों में, या 40 दिन आप समझ लें कि इन 40 दिनों में आपने जो पानी पिया है वो किसी ने चोरी छुपे आपको दे दिया है। ठीक है, चोरी छुपे जो पानी आप तक पहुंचा है आपने वही पानी पिया है, उसके अलावा आपने कोई पानी नहीं पिया। आज हम सवाल करते हैं जब हम पर कोई मुसीबत आती है कि अल्लाह मैंने कौन सा गुनाह की कि मुझ पर ये मुसीबत आई, है ना, अल्लाह ताला मैंने ऐसा क्या कर दी कि मुझ पर ये मुसीबत आई। ये सवाल तो उस्मान रदी अल्लाह तआला अन्हु को करना था ना, मैं और आप तो इसके अहल नहीं है, मैं और आप अल्लाह से ये सवाल नहीं कर सकते, हम तो वाकई में गुनहगार हैं, हम तो वाकई में गुनहगार हैं अल्लाह के, तो हमारा ये हक नहीं बनता है कि हम इस तरह का सवाल करें। हाँ, अली उस्मान रदी अल्लाह तआला अन्हु कर सकते थे कि अल्लाह मैंने क्या ऐसा गुनाह किया है, जो कि उनकी तकरीर भी मिलती है। ठीक है, उनकी तकरीर मिलती है कि उन्होंने जब उनके घर का मुहासरा किया गया और उनको घेरा गया तो अली रदी अल्लाह तआला उन्होंने अपने बेटे हसन और हुसैन को, कान खोलकर सुन लें, उस्मान रदी अल्लाह तआला उन्होंने अगर खिलाफत छीन ली थी तो अली रदी अल्लाह तआला उन्हों अपने दोनों बेटे हसन और हुसैन को, ठीक है, तलहा
जो तलहा रदी अल्लाह तआला है, तलहा और जुबैर बिन अवाम रदी अल्लाह तआला ने अपने अपने बेटों को उस्मान रदी अल्लाह तआला अनु के दरवाजे पर पहरा देने के लिए भेज दिया कि ऐ मेरे बच्चों यहाँ बैठना है, आपको उस्मान रदी अल्लाह तआला अनु की हिफाजत करना है। अगर कोई इनमें से जिसने घेरा डालकर बैठे हुए हैं इनमें से कोई अंदर घुसने आएगा तो तुमको लड़ना है, उस्मान रदी अल्लाह तआला अनु का क्या करना है, दिफा करना है। उस्मान रदी अल्लाह तआला अनु ने एक मरतबा जब उन्होंने देखा कि अब ये बात आगे बढ़ती चली जा रही है तो इन्होंने उस्मान रदी अल्लाह तआला ने एक तकरीर की। ठीक है, ये तकरीर सुनने जैसी है। उस्मान रदी अल्लाह तआला अनु ने इतमाम हुज्जत के लिए, उलमा कहते हैं कि हुज्जत को तमाम करने के लिए एक दिन घर के ऊपर चढ़कर तकरीर की और क्या कहा, अल्फाज सुने, लोगों तुम मुझे कत्ल करना चाहते हो, मैं तुम्हारा वाली हूं, मैं तुम्हारा मुसलमान भाई हूं, अल्लाह की कसम मैंने हमेशा इस्लाह की कोशिश की है, लेकिन एक इंसान होने के हैसियत से मुझसे कुछ गलतियां हुई होंगी, याद रखो अगर तुमने मुझे कत्ल कर दिया तो कयामत तक ना कभी मिलकर नमाज पढ़ोगे और ना मिलकर जिहाद करोगे, यानी उम्मत में फिरका पैदा हो जाएगा। ठीक है, मैं अल्लाह की कसम देकर तुमसे पूछता हूँ, क्या तुमको नहीं मालूम कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ ले गए थे तो मस्जिद बहुत तंग थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था इस जमीन के टुकड़े को कौन खरीद कर मुसलमानों पर वक्फ करता है उसको जन्नत में इससे बेहतर जगह मिलेगी। उस वक्त अल्लाह के रसूल के उस हुक्म की तामील में मैंने जमीन की खरीदी और उस जमीन को मैंने मुसलमानों पर क्या कर दिया, वक्फ कर दिया। आज उसी मस्जिद में तुम लोग मुझे 2 रकत नमाज पढ़ने नहीं देते हो। बहुत बड़ी बात है कि जो मस्जिद है उस मस्जिद को अल्लाह के रसूल के कहने पर मैंने ही क्या किया था, खरीदा था और उसको मैंने ही क्या किया जो है वो अल्लाह के रसूल को दिया, और आज उसी मस्जिद में मुझे 2 रकात नमाज पढ़ना अलाउड नहीं है। ठीक है, इसके अलावा अब्दुल्ला उस्मान रदी अल्लाह तआला उन्होंने ये भी कहा कि मैंने जो कुआं है जो पानी की जो मुश्किल थी उसको मैंने ही जो है वो क्या किया था, यहूदी से खरीद कर तुम्हारे लिए वक्फ किया, आज उसी कुएं से उस पूरे कुएं से मुझे पानी पीना क्या नहीं है, अलाउड नहीं है। यानी बहुत बड़ी आप देखें आजमाइश थी उनकी, उस्मान रदी अल्लाह तआला अन्हु की जो आजमाइश है ये बहुत बड़ी आजमाइश है और इनकी जो शहादत भी है ये बहुत दर्दनाक शहादत है। तो तुम लोग मुझे क्या नहीं करने दे रहे हो, ना नमाज पढ़ने दे रहे हो और ना ही तुम लोग मुझे क्या कर रहे हो, इसमें इस कुएं से पानी यानी मेरे लिए पानी पीना तक तुमने लोगों ने मुझे बंद कर दिया है। तो ये कुछ उनके क्या कहते हैं और उनके तकरीर के अल्फाज थे। उसके बाद उन्होंने सवाल किया था कि किस जुर्म में मुझे कत्ल करना चाहते हो, मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि 3 सूरतों के अलावा किसी मुसलमान का कत्ल जायज नहीं, इस्लाम लाने के बाद जो मुर्तद हो जाए है ना, जानी अगर शादीशुदा हो तो उसको जिना के बाद कत्ल कर दिया जाए, या अगर वो कत्ल करे तो उसे किसास में कत्ल करे, और इन तीनों चीजों से अल्हम्दुलिल्लाह मेरा दामन पाक है, मैंने इस्लाम के सिवा किसी मजहब को पसंद नहीं किया, ना जमाने जाहिलियत में बदकारी की जिना किया, ना इस्लाम लाने के बाद मैंने कभी जिना किया और ना ही मैंने किसी का कत्ल किया, तो तुम मुझे क्यों कत्ल करना चाहते हो। ये मुसनद अहमद के अल्फाज हैं। अब सवाल ये होता है मेरा और आपके जहन में सवाल ये आता है कि उस्मान रदी अल्लाह उनको 30 दिन तक घेरे में रखा गया तो बाकी के जो सहाबा मदीना में मौजूद थे उन्होंने उस्मान रदी अल्लाह तो उनको डिफेंड क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं आगे बढ़े, उन्होंने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया, है ना, मेरे और आपके जहन में आता है ये सवाल और मेरे जहन में तो था ये सवाल कि क्यों इतनी बड़ी मदीना जो है वो एक शहर है, चले ठीक है उसमें ये लोग जाकर बैठ गए थे कुछ हजार लोग, लेकिन मदीना में तो ऑलरेडी सहाबा की जमात मौजूद थी, तो फिर सहाबा ने अब्दुल्ला बिन उमर कहाँ चले गए, अब्दुल्ला बिन अब्बास कहाँ चले गए और दूसरे सहाबा कहाँ चले गए, ये सवाल आपके और मेरे जहन में आता है ना। तो इसका जवाब ये है कि ये तमाम सहाबा अब्दुल्ला बिन जुबैर और मुगैरा बिन शोबा ने कहा आप इमाम उम्मत हैं और इस हाल में मुब्तला हैं, इसलिए 3 सूरतों में से आप एक सूरत इख्तियार फरमाएं, यानी 3 चॉइसेस हैं आपके पास, हम लोगों को लेकर निकलें और बागियों का मुकाबला करें, हम लड़ने के लिए तैयार हैं, आप हक पर हैं वो बातिल पर हैं। यानी मुसलमानों ने जंग की पेशकश की थी उस्मान रदी अल्लाह तआला अन्हु को, लेकिन उस्मान रदी अल्लाह तआला अन्हु ने अमीरुल मोमिनीन होने के एतबार से क्या कहा था, नहीं मैं मुकाबला नहीं करूंगा,
मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो पहला खलीफा नहीं बनना चाहता जिसके हाथों उम्मत का खून बहाया जाए और इसका आगाज हो, और दूसरी पेशकश की कि आप मक्का चले जाएं, ठीक है, आप नहीं लड़ना चाहते, मत लड़े, आप नहीं खून बहाना चाहते नबी के शहर में, आप ये चाहते हैं ये हुरमत वाली जगह है, या खून ना बहाया जाए, यानी आप जंग नहीं लड़ना चाहते हैं, तो ठीक है आप मक्का चले जाएं। तो उन्होंने कहा कि नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था, एक पेशेंट को ही आपसे वसल्लम ने फरमाई थी कि कुरैश का एक शख्स मक्का या बैतुल्ला की हुरमत उठाएगा और उस पर सारी दुनिया का आधा अजाब होगा। उस्मान रदी अल्लाह तआला ने इस बात को समझ चुके थे, अगर मैं मक्का की तरफ भी निकला तो ये लोग मुझे मक्का में आकर भी क्या करेंगे, कत्ल करेंगे, और फिर मक्का में भी क्या होगा, कत्लो कारतगिरी होगी, वहां के लोग भड़केंगे, इसलिए मैं मक्का की हुरमत को भी पामाल नहीं करना चाहता, मदीना रसूल को छोड़कर शाम भी नहीं जाऊंगा, मैं अपने हबीब को, अपने नबी के शहर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मुसनद अहमद बिन हम्बल की सही रिवायत है। और उस्मान रदी अल्लाह तआला को यकीन था कि आपकी पेशेनगोई पूरी होगी, इनको शहादत नसीब होगी। आपने जुमुआ के दिन रोजा रखा, जिलहज का महीना था, एक नया पाजामा पहना, यानी इनको था कि हो सकता है अगर मैंने तहबंद पहन ली, लुंगी पहन ली, तो हो सकता है जब ये लोग मुझे शहीद करें तो मेरा, मेरी शर्मगाह क्या हो जाए, खुल जाए। एक नया पाजामा पहना, 20 गुलाम आजाद किए और कुरान की तिलावत में मशगूल हो गए। उस वक्त उनके दरवाजे पर हुसैन रदी अल्लाह तआला, अब्दुल्ला बिन जुबैर रदी अल्लाह तआला, मोहम्मद बिन मुसलमा रदी अल्लाह तआला और दिगर सहाबा के बेटे बागियों को रोके हुए थे, अंदर नहीं आने दे रहे थे। कुछ मामूली कत्लो गारतगी हुई, लड़ाई हुई और बागियों ने फाटक में आग लगा दी, दरवाजे में आग लगा दी, और बाहर इन लोगों ने मेन डोर से एंट्री नहीं की, इन लोगों ने जो बाजू के मिले हुए जो घर होते हैं उनकी छतों से ऊपर चढ़ने में ये क्या हो गए, कामयाब हो गए। उस्मान रदी अल्लाह के जब कमरे में ये लोग कूदे हैं, उस वक्त उस्मान रदी अल्लाह तआला अन्हु कुरान की तिलावत में मशगूल थे, इसलिए ये लोग डर कर वापस आ गए कि ये तो कुरान पढ़ रहा है, कुरान पढ़ने की हालत में हम इसको कैसे शहीद करें। इसके बाद मोहम्मद बिन अबी बकर, जो उस्मान रदी अल्लाह के बड़े दुश्मनों में से थे, दाखिल हुए और आगे बढ़कर उस्मान रदी अल्लाह तआला अन्हु की दाढ़ी पकड़ ली, दाढ़ी खींच ली, और बहुत ही बेअदबी वाले जुमले कहे। उस्मान रदी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, भतीजे इसको छोड़ दो, तुम्हारे वालिद कभी ऐसा नहीं करते थे। ये अबू बकर रदी उनके बेटे थे और ये भी बागी फिरके के साथ मिल चुके थे जिनका नाम मोहम्मद था। तो उन्होंने कहा अगर तुम्हारे वालिद अबू बकर होते वो कभी ऐसा ना करते, और अगर वो ये देखते कि तुमने मेरे साथ ये सलूक किया है तो उनको पसंद ना आता। एक रिवायत में है कि ये सुनकर वो लौट आए, तारीख तबरी में है कि जब उन्होंने ये अल्फाज सुने तो वो वापस आ गए। इसके बाद गाफगी, गाफ्टी एक नाम का जो बंदा था, उसने आगे बढ़कर वो उसने हमला किया, कुरान को पांव से ठोकर मारी। ध्यान दें इनके हरकात पे, अगर ये मुसलमान हैं तो कुरान को ये इतनी बेहुर्मती कर सकते हैं क्या? जहन को जरा सा खुला रख के सोचे, कुरान को पांव से ठोकर मारी। एक दूसरे शख्स कनाना बिन बशीर ने इतनी जोर से पेशानी पर लोहे की लाठी मारी, उस्मान रदी अल्लाह तआला ने चकरा कर पहलू के बल गिर पड़े। जबान से जो अल्फाज निकले हैं उसको तारीख ने नोट किया, बिस्मिल्लाह तवक्कल तो अल्लाह, खून खून का जो फव्वारा था वो कुरान पर जा गिरा। फसयक्फी कहूम अल्लाह, इस पर आज भी इनके कुरान के छींटे मौजूद हैं, और अरब म्यूजियम में या मिस्र के म्यूजियम में, अल्लाह आलम मुझे बराबर से याद नहीं है, इनके कुरान के छींटे मौजूद हैं उस आयत के उस हिस्से पर। इसके बाद अम्र बिन अहमक ने इसने सीने पर चढ़कर कई वार किए, चाकू से कई वार आपके सीने पर किए गए। आपकी बीवी नाइला, जो के कान खोल कर सुने, नाइला रदी अल्लाह अन्हा, जो अबू मुआविया रदी अल्लाह तआला की बहन है, दौड़कर जब बचाने के लिए आई और हाथ उन्होंने उनके सीने पर हाथ रखा कि मत मारो, तो उनके हाथ की 3 उंगलियां तलवार से कट गई, 3 उंगलियां। और सोदान बिन हमरान ने लपक कर आपकी गर्दन काट दी। उसके बाद भी इनको सुकून नहीं मिला है। उमैर बिन जनाबी ने आगे बढ़कर ठोकरें मारी जिससे आपकी पसलियां टूट गई, आपके सीने पर कूदा है बंदे। आप मुझे बताएं ये शहादत क्या हुसैन रदी अल्लाह तआला को मिली है? यानी आप सोच सकते हैं कि रोंगटे खड़े कर देने वाला मंजर है।
एक सहाबी रसूल को कितनी बेदर्दी से शहीद किया गया है। जुमा, ये जुमा का दिन था, 18 जिलहज सन 35 हिजरी, ठीक है। जुमा का दिन था, तारीख 18 जिलहज और हिजरी सन 35 हिजरी, और मदीना पर बागियों का कब्जा कायम रहा। लोगों को घर से निकलने की हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि निकलेंगे तो ये लोग हमें क्या कर देंगे, कत्ल कर देंगे। 2 दिन तक लाश घर में पड़ी रही, इसी हाल में लाश पड़ी रही 2 दिन तक। दूसरे दिन शाम को चंद लोगों ने जान पर खेल करके, ठीक है मर जाएंगे मर जाएंगे, लेकिन लाश की बेहुरमती नहीं होने देंगे, तदफीन की। उन्हीं खून आलूद कपड़ों में 4 आदमियों ने जनाजा उठाया। जुमेर जुबेर बिन अवाम, जुबेर बिन मुतम ने नमाज जनाजा पढ़ाई, यानी इख्तलाफ है जुबेर बिन अवाम थे या जुबेर बिन मुतम रदी अल्लाह तआला नु थे। और 17 आदमियों की एक छोटी सी जमात ने रात को खुफिया तौर से जन्नतुल बकी के करीब दफन कर दिया, ठीक है। ये है असल फितना जो शुरू हुआ है। जब अब्दुल्ला बिन सबा को ये पता चला कि उस्मान रदी अल्लाह तआला नु शहीद कर दिए गए हैं, तो वो मिस्र से निकल गया, मिस्र में था, मिस्र से निकला और बहुत ही हिडन तरीके से मक्का मदीना में दाखिल हुआ और अपने एजेंटों और दोस्तों के साथ मिल गया अपने मकसद में, चूंकि वो कामयाब हो गया था, ठीक है। तो उसने उन लोगों को जो इस साजिश में थे, उनको क्या कहा कि अब हम क्या करेंगे, नया नया फितना शुरू करेंगे। और उन लोगों ने उस्मान अली रदी अल्लाह तआला को कहा कि अब जो है वो आपके बाद, ठीक है, कोई और नहीं बच रहा है, तो आप ही क्या कर लें, खिलाफत को कबूल कर लें। अच्छा, ये भी है कि सहाबा की और भी बहुत सारी जमातें थी। अब्दुल्ला बिन आमिर फरमाते हैं कि मैं उस्मान रदी अल्लाह तआला अन्हु के साथ उनके घर में था। उस्मान रदी अल्लाह तआला ने फरमाया, जब कोई मुसलमान समझता है कि उस पर मेरी बिताअत वाजिब है, यानी देखिए कितने सख्त अल्फाज हैं, हम जो कहते हैं ना सहाबा ने क्यों कुछ नहीं किया, सहाबा रेडी थे, अल्लाह की बंदियों, सहाबा तैयार थे। लेकिन उस्मान रदी अल्लाह, अब्दुल्ला बिन आमिर रदी अल्लाह तआला ने फरमाते हैं कि मैं उस्मान रदी अल्लाह तआला अन्हु के साथ उनके घर में था। उस्मान रदी अल्लाह तआला ने फरमाया, जब कोई मुसलमान समझता है कि उस पर मेरी इताअत वाजिब है, मैं अमीरुल मोमिनीन हूँ, तो मैं उसको हुक्म देता हूँ कि वो अपने हाथ और तलवार को रोक ले। मुसन्निफ इब्ने अबी शैबा की सही रिवायत है, मैं ये इजाजत नहीं देता हूँ कि वो कत्ल करे, कत्लो गारतगिरी हो। इसी तरह मशहूर ताबई इब्ने सीरीन रहिमहुल्ला बयान करते हैं कि जैद बिन साबित रदी अल्लाह तआला अन्हु उस्मान रदी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुए और कहा, अंसार आपके दरवाजे पर खड़े हैं, वो कहते हैं कि अगर आप इजाजत दें तो हम दोबारा अंसारुल्लाह बन जाएंगे, यानी जिस तरह हमने अल्लाह के रसूल को पनाह दी थी अपनी जान पर खेलकर, हम अपनी जान पर खेलकर आपको अमान देंगे, बस आप हमें इजाजत दें कि हम इनके खिलाफ खड़े हों। हमने नबी का जिस तरह साथ दिया था, उस तरह हम आपका भी साथ देंगे। आप रदी अल्लाह तआला ने फरमाया, मैं इस शहर में लड़ाई की इजाजत किसी को नहीं देता हूं। अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह तआला ने उस्मान रदी अल्लाह तआला के पास गए तो उन्होंने आपसे कहा, ऐ इब्ने उमर, देखिए ये लोग मुझे कहते हैं मैं दस्तबरदार हो जाऊं और अपनी जान ना गंवाऊं, यानी मैं खिलाफत को छोड़ दूं। इब्ने उमर रदी अल्लाह तआला उन्होंने फरमाया, अगर आप इस मनसब से अगर दस्तबरदार हो जाएं, यानी आप अपनी पोजीशन से हट भी जाएं, तो ये लोग आपको शहीद करने से बढ़कर और क्या कर सकते हैं, यानी ये फिर भी आपको शहीद करेंगे। तो इस तरह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस इब्ने उमर ने फरमाया कि मैं आपको ये राय दूंगा, आप उस कमीज को ना उतारे जो अल्लाह ने आपको पहना, यानी ये खिलाफत अल्लाह ने आपको दी है तो आप इस कमीज को ना उतारें, ठीक है। तो इस तरह से इनके जो है, हसन बसरी रहमुल्लाह से पूछा गया, क्या उस्मान रदी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद करने में अंसार और मुहाजरीन का भी कोई फर्ज शामिल था, तो आपने फरमाया, नहीं, वो मिस्र के उज्जट किस्म के औबाश थे। इस फितने के मशहूर सरगना कनाना बिन बशीर, रुमान यमानी, जबला, जबला नाम आप बार बार सुनेंगे, कि ये लोगों ने, मालिक बिन अश्तर, ये हेड ऑफ द, ये लीडर है इनके, ये सब के सब कत्ल किए गए और कोई भी अपनी मौत नहीं मरा, किसी को भी मौत नहीं आई। मोहम्मद बिन सीरीन रहीमहुल्लाह फरमाते हैं, मैं काबा का तवाफ कर रहा था, एक आदमी यूं दुआ कर रहा था, ए अल्लाह मुझे बख्श दे, लेकिन मेरे ख्याल में तू मुझे बख्शेगा नहीं। यानी काबा का तवाफ कर रहा है, वो कर रहे थे और उन्होंने देखा कि एक आदमी इस तरह से दुआ कर रहा है अल्लाह के घर के सामने, ए अल्लाह मुझे बख्श दे, लेकिन मुझे, मेरे ख्याल में तू मुझे कभी बख्शेगा नहीं। फरमाते हैं, मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, मैंने कहा, ए अल्लाह के बंदे, मैंने किसी को तेरी तरह दुआ मांगते नहीं देखा,
कि तू ऐसे कैसे कह सकता है? लोग तो ये कहते हैं अल्लाह बख्श दे, और तू बख्शने वाला है, तू बहुत मगफरत करने वाला है, तो ऐसे क्यों कह रहा है कि तू मुझे नहीं बख्शेगा, मुझे मेरा ये ख्याल है। उसने कहा मैंने अल्लाह से वादा किया था। सोचे, अल्फाज देखें, मैंने अल्लाह से वादा किया था कि अगर मुझे मौका मिला तो मैं उस्मान रदी अल्लाह तआला को थप्पड़ मारूंगा। जिंदगी में मुझे मौका नहीं मिला, लेकिन जब वो कत्ल किए गए और चारपाई पर लिटाए गए और लोग उन पर उनके घर में जनाजा पढ़कर जा रहे थे, मैं भी नमाज जनाजा के बहाने दाखिल हो गया। जब मैंने इत्मीनान कर लिया कि आपके घर में कोई नहीं है, तो मैंने उनके चेहरे से कपड़ा हटाकर उस पर थप्पड़ मारा था, यानी मैंने उनकी लाश को थप्पड़ मारा। उसी वक्त जैसे ही मैंने थप्पड़ उनके गाल पर मारा, मेरा हाथ फालिज में आ गया, मेरे हाथ पर पैरालाइजेस हो गया और वो सूख भी गया। नॉट ओनली पैरालाइजेस, वो सूख गया। इब्ने सीरीन रहिमुल्लाह फरमाते हैं, मैंने उसके हाथ को देखा तो वो ऐसे था जैसे सूखी हुई ब्रांच, सूखी हुई टहनी होती है, उस तरह था। अलविदाया व निहाया में इब्ने कसीर रहिमुल्लाह ने इसको बयान किया। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। ये इस तरह के जैसे चल रहे हैं, देख रहे हैं आप किस तरह से फितना चल रहा है। उसके बाद अली रदी, चुके उस्मान रदी अल्लाह तआला नु शहीद हो गए हैं, तो अब खलीफा कौन बना? अली रदी अल्लाह तआला। अच्छा, खलीफा नाम उस बंदे का, एक मिनट, एक आदमी का लफ्ज है, तो नाम यहाँ पर इस रिवायत में तो नाम नहीं है, अलविदाया व निहाया में नाम नहीं है। अलविदाया व निहाया में है कि रजुलुन यदउ यदउल्लाह, एक शख्स था वो अल्लाह से दुआ कर रहा था, तो यहाँ नाम नहीं है। इंशाल्लाह अगर किसी जगह नाम मिलता है तो फिर हम उसको नोट करेंगे। उसके बाद जब उस्मान रदी अल्लाह तआला अन्हु शहीद हो गए, तो अब ये लोग उस्मान रदी अली रदी अल्लाह तआला के पास पहुंचे और अली रदी अल्लाह तआला अन्हु से का दरवाजा ठोकने लगे। तो अली रदी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि तुम लोग क्यों आए हो, तुम्हारा क्या मकसद है? उन्होंने कहा कि हम ये चाहते हैं कि आपसे बढ़कर अब कोई भी इस मनसब के लायक नहीं है, यानी आप अल्लाह के रसूल के भाई भी हैं, है ना, और आप जो है वो अहले बैत में से भी हैं, और अब तो तीन शख्सियतें जा चुकी हैं, अबू बकर, उमर और उस्मान रदी अल्लाह की, अब आप ही हैं जो क्या हो सकते हैं, खलीफा बन सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे खलीफा नहीं बनना है, यानी मैं नहीं बन सकता हूँ, मेरा वजीर बनना अमीर बनने से बेहतर है, यानी मैं किसी के अंडर में रहकर काम करूं ये मुझे ज्यादा पसंद है। लेकिन उन्होंने कहा अल्लाह की कसम, अगर आप नहीं बने तो फिर हम दूसरा कुछ एक्शन लेंगे। यानी उन लोगों ने बाकायदा इस बात की तरफ इशारा किया कि अगर आप नहीं बनेंगे तो ये जो ग्रुप आया है ना बसरा से, कूफा से मिलकर, इसी में से हम किसी को क्या कर लेंगे, खलीफा बना लेंगे। तो ये भी एक फितना था। तो उस्मान रदी अल्लाह तआला अन्हु उस वहां पर क्या हो गए, मजबूर हो गए, और उन्होंने कहा ठीक है, अगर तुमको मेरी बैत करनी है तो मेरी बैत छुप छुपा करनी होगी, मैं अपने घर के बंद दरवाजे में बैत नहीं करूंगा, मैं मस्जिद आऊंगा, हम मस्जिद चलेंगे, और अगर मस्जिद में तमाम लोगों ने मुझे कबूल कर लिया तो फिर मैं क्या बन जाऊंगा, मैं इस पोजीशन को एक्सेप्ट कर लूंगा। ये अली रदी अल्लाह तआला अन्हु का कॉल है, ठीक है। अली रदी अल्लाह तआला अन्हु ने तलहा और जुबैर रदी अल्लाह तआला उस वक्त मौजूद थे, उनकी नीयत मालूम करना चाहिए, तो उन दोनों ने अली रदी अल्लाह तआला पर बैत करने से इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि हम आपकी बैत करेंगे, हम आपको खलीफा मानेंगे, हमें आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन हमारी एक डिमांड है कि उस्मान रदी अल्लाह तआला अन्हु के कातिलों से बदला लिया जाए, किसास लिया जाए। अली रदी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि बिल्कुल किसास लिया जाएगा, ठीक है, नाहक कत्ल हुआ है, किसास लिया जाएगा, लेकिन अभी पोजीशन मेरी इतनी एक्टिव नहीं है, मैं इतना मजबूत नहीं हुआ हूं कि मैं इतनी जल्दी ये डिसीजन लूं, मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए और मैं क्या करूंगा, इस कत्ल का बदला जरूर लूंगा, मैं किसास जरूर लूंगा। ये खबर उस्मान रदी की शहादत की कहाँ पहुंची? मक्का। आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा और दीगर सहाबा हज करने के लिए मक्का गए हुए थे, जिलहज का महीना था, तो वहां पर ये खबर पहुंची, वो लोग वापस आ रहे थे मक्का की तरफ। सर्फ के मकाम पर आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा को पता चला कि उस्मान रदी अल्लाह तआला अन्हा क्या हो चुके हैं, शहीद हो चुके हैं। तो आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा ने तमाम सहाबा को जमा किया, यानी वापस मक्का गई सर्फ से, और वहां जाने के बाद सबकी मीटिंग ली और कहा कि उस्मान रदी अल्लाह तआला अन्हा को नाहक कत्ल कर दिया गया, शहीद कर दिया गया है, अब आप लोगों की क्या राय है? तमाम लोगों ने कहा कि हमें उस्मान रदी अल्लाह तआला अन्हा के कातिलों से बदला चाहिए, ठीक है, क्योंकि वहां का जो गवर्नर, अभी तक जो गवर्नर है हर मुल्क में, चाहे वो कूफा में हो, चाहे वो बसरा में हो, चाहे वो मक्का में हो, सब जो गवर्नर है वो किसके अपॉइंटेड है? उस्मान रदी अल्लाह तआला के। तो कहा कि हम अपनी जान दे देंगे, उसमें तलहा बिन जुबैर भी थे, उसमें जो है वो
जुबैर इब्न अवयम रदी अल्लाह तआला नो भी थे, और इन तमाम ने क्या किया, क्योंकि जब ये फितना होने लगा कि अली रदी उनको बैत की जाएगी, तो इन लोगों ने, बहुत सारे सहाबा ने मक्का मदीना छोड़कर मदीना मक्का की तरफ चले गए, रातों रात निकल गए। तो अब ये हुआ कि लोगों ने कहा कि जब हम मदीना जाएंगे और मदीना से फिर हम बसरा जाएंगे, ठीक है, और फिर बसरा में हम ये तमाम बातें करेंगे, उसमें बहुत लेट हो जाएगा, तो सबसे पहले हम बसरा जाते हैं और वहां के जो हाकिम है, वहां के जो गवर्नर है, उनसे बातचीत करके हम उनको इस बात के लिए तैयार करते हैं कि वो क्या करें, इब्ने हनीफ, वो जो वहां के उस्मान बिन हनीफ के से जाकर हम क्या करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जो है वो अली रदी अल्लाह तआला अन्हु को एग्री करें, मनाएं कि वो क्या करें, उस्मान रदी अल्लाह तआला अन्हु के कातिलों से बदला लें। सिर्फ यही पॉइंट है, वल्ला ही कोई इख्तलाफ नहीं है। अली रदी अल्लाह तआला अन्हु और आयशा रदी अन्हु को उम्मुल मोमिनीन मानते हैं, आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा अली रदी अल्लाह तआला अन्हु की इज्जत करती हैं और उनका रिस्पेक्ट कर रही हैं। कोई इख्तलाफ नहीं, किसी सहाबा के दिल में किसी के लिए कोई इख्तलाफ नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है। सिर्फ मसला जो आकर फंसता है वो ये है कि अली रदी अल्लाह तआला अन्हु कह रहे हैं कि रुक जाओ, थोड़ा वक्त दो, मेरी पोजीशन थोड़ी सी स्ट्रांग होने दो, मैं खुद बदला लूंगा। और आयशा रदी अन्हु फरमाती हैं नहीं, अगर हमने इनको छूट दी तो ये और फितना करेंगे, ये और बढ़ेंगे, हमें इनको खत्म करना जरूरी है। और यही पॉइंट पर, इसी यही एक एक वाहिद पॉइंट मुझे मिला है जिस पर जंगे जमल हुई है। जमल यानी ऊंट, जो आयशा रदी अल्लाह तआला के दरमियान में और अली रदी अल्लाह के दरमियान में, जबकि ये जंग नहीं थी, ये सुबह में जमा हुए हैं, सुबह शुरू हुई है और शाम हुए तक खत्म हो गई है, कोई जंग नहीं हुई। हुआ ये कि जब आयशा रदी अल्लाह तआला बसरा पहुंची और ये खबर अली रदी अल्लाह तआला को पहुंची कि आयशा ने बसरा पहुंची हुई है, तो ये बसरा के लिए निकल गए। अच्छा, बसरा के लिए ये पहले निकले। अब इसमें देखिए बहुत बड़ी साजिश है, जो मैंने कहा ना उस्मान बिन हनीफ, इनसे आयशा रदी अल्लाह तआला ने बात की और कहा कि देखो उस्मान, हमें कोई मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अली भी अगर खलीफा बनते हैं तो कोई हमें मुजायका नहीं है, वो इस लायक हैं, हमें सिर्फ प्रॉब्लम इस बात की है कि आप उस्मान के कातिलों से बदला लेना है, हमें उस्मान के कातिलों से बदला लेना है। उन्होंने कहा ठीक है, मैं अपना एक कासिद रवाना करता हूँ कि आयशा रदी की ये डिमांड है, इसमें आप क्या कहते हैं। कहा ठीक है, उन्होंने अपना कासिद रवाना किया, एम्बेसडर रवाना किया कि जाओ और अली रदी को मेरा ये खत दे दो। उस खत में ये लिखा हुआ था कि आयशा रदी उन्होंने ये मुसालहत चाहती हैं और उनकी ये डिमांड है, वो ये चाहती हैं कि उस्मान रदी के कातिलों से बदला लिया जाए। अब इनका कासिद निकला तो जो ये बसरा में अब्दुल्ला बिन सबा का जो ग्रुप मौजूद था, इन लोगों में से भी एक कासिद निकला और उसने बहुत फास्ट ट्रैक पर जाकर अली रदी को यह खबर दी कि आयशा रदी अल्लाह तआला ना आपके खिलाफ बसरा में जाकर बगावत कर रही हैं और वहां आपके खिलाफ जंग की तैयारी कर रही है। अली रदी अल्लाह को जब तक ये बात पहुंची, अली रदी अल्लाह तआला ना बसरा के लिए निकल गए कि ऐसे कैसे हो गया और ये फितना ऐसे कैसे बढ़ गया, मैं खुद जाऊंगा और आयशा रदी अल्लाह तआला को मैं समझाऊंगा कि मेरा ये मकसद नहीं है, मैं बदला लूंगा। आयशा और अली रदी अल्लाह तआला ना मदीना से कुफा की बसरा की तरफ निकले, आयशा रदी अल्लाह तआला मक्का से ऑलरेडी कुफा बसरा पहुंच चुकी थी। जब तक उस्मान बिन हनीफ का कासिद मदीना पहुंचा, अली रदी अल्लाह तआला ना ऑलमोस्ट बसरा के करीब हो चुके थे। बात क्लियर हो रही है? अब चूंकि ये बसरा पहुंच गए तो अली रदी अल्लाह तआला ने हनीफ जो थे, उस्मान बिन हनीफ से पूछा क्या मसला है। जब वहां पहुंचे तो बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि आयशा रदी अल्लाह तआला ना उस्मान उनके कातिलों से बदला लेना चाहती हैं और तलहा रदी अल्लाह तआला ने, जुबैर इब्न अल्अवाम रदी अल्लाह तआला ने, ये सब ये चाहते हैं कि उनके कातिलों को पहले खत्म किया जाए ताकि फितना खत्म हो, ऐसा ना हो कि ये फिर आपको शहीद कर दे, ये किसी और को शहीद करे, तो इस फितने को खत्म करना जरूरी है। अली रदी अल्लाह तारीख उठाकर देखे, वल्ला ही अल्लाह की कसम, अली रदी अल्लाह तआला नो आयशा रदी अल्लाह तआला नो की इस बात से एग्री हो गए। उन्होंने आयशा रदी अल्लाह पर पैगाम पहुंचाया कि ठीक है, कल सुबह हम इस मसले पर बात करेंगे और हम ये तय करेंगे कि हमें उस्मान रदी अल्लाह तआला नो के कातिलों से बदला कैसे लेना है, क्या करना है। ठीक है, अब ये बात हुई। अब जब इस अब्दुल्ला बिन सबा के जो चेले थे, जब उन्होंने ये बात सुनी तो इन्होंने कहा कि अब हमारे कत्ल का वक्त आ चुका है, अब हमें कत्ल कर दिया जाएगा। कहा क्या किया जाए, तो इनमें से कुछ 5-6 लोगों ने अली रदी अल्लाह तआला अन्हु के खेमे के बाहर से तीर चलाए आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हु के लोगों पर, और आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हु के खेमे की तरफ से कुछ तीर चले अली रदी अल्लाह तआला अन्हु के खेमे पर। बात ये पहुंची कि अली आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि अली रदी अल्लाह तआला अन्हु ने जब सुलह की बात हो गई थी तीर क्यों चलाए,
आयशा रजन के साथियों ने अपने दिफा के लिए तीर चलाए तो अली रदी अल्लाह तआला उनके लोगों को लगा, सपोर्टर को लगा कि आयशा रदी अल्लाह तआला उन्होंने हम पर तीर क्यों चलाए। और ये मामला इस तरह हुआ कि जंग हो गई, यानी रात सुबह में शुरू हुई और शाम हुए तक अली रदी अल्लाह तआला उन्होंने एक तीर मारकर आयशा रदी अल्लाह तआला उनके ऊँट को नीचे बिठा दिया। आयशा रदी अल्लाह तआला उन्होंने नीचे हुई, ठीक है, और जैसे ही वो नीचे हुई जंग खत्म हो गई। अली रदी अल्लाह ने उनको बाइज्जत तौर पर रवाना कर दिया। और जब बात बहस हुई तो बात ये पता चली कि ना हमने तीर चलाया था, ना आपने तीर चलाया था, या कोई और था जिसने तीर चलाकर हमारे दरमियान में क्या लगा दी, आग लगा दी। तो जंगे जमल एक गलत फहमी के नतीजे में थोड़ा सा कुछ वाकया हुआ, इसमें किसी का कसूर नहीं था, ना आयशा रदी अल्लाह तआला की गलती थी ना अली रदी, दोनों सुलह पर तैयार हो गए थे, दोनों के दरमियान आपस में बात हो गई थी, एग्रीमेंट हो चुका था। ये जंगे जमल की बात हो गई, ठीक है। अब उसके बाद जंगे सिफीन जो के अली रदी अल्लाह तआला और अमीर मुआविया रदी अल्लाह के दरमियान में हुई, इसमें भी मामला यही है, अली रदी अल्लाह तआला इस बात पर अटल थे कि हम बदला लेंगे, ठीक है। इस जंगे जमल, जमल कहते हैं ऊंट को, जमल कहते हैं ऊंट को, चूंकि इसमें आयशा रदी अल्लाह तआला ऊंट पर बैठकर आई थी, इसलिए इस जंग को जंगे जमल कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जंगे सिफीन, जंगे सिफीन हुई है अमीर मुआविया और अली रदी अल्लाह तआला के दरमियान। इसमें भी अगर आप देखेंगे तो अली रदी अल्लाह तआला ने इस जंग में भी कोई जंग नहीं हुई, ठीक है। इसमें भी बात ये थी कि उस आपको पता है कि मैंने अभी आपको बताया कि उस्मान रदी अल्लाह तआला बनु उमय्या से थे, यानी बनु उमय्या खानदान से थे। और इसमें अबू सुफियान आते हैं, अबीन मुआविया आते हैं, आपकी बीवी उम्मे हबीबा आती है ना, और आप उस्मान रदी उनकी बीवी नाइला है। तो ये अब चूंकि अमीर मुआविया के जो है वो बहनोई को कत्ल किया गया ना, बहन के शौहर को, तो इसलिए वो किसास ले रहे हैं, किस किसास का मुतालबा कर रहे हैं कि बनू उमैया उस वक्त तक नहीं बैठेगा जब तक किसास नहीं लेगा। अली रदी अल्लाह फरमाने बैत कर लो, किसास लिया जाएगा, किस अगर तुम बैत नहीं करोगे तो और ज्यादा उम्मत में क्या होगा, फितना पैदा होगा, तो तुम बैत कर लो। और फिर इन दोनों के दरमियान में भी इसी तरह से गलतफहमी करके जंग करवाई गई, और इस जंग के नतीजे में काफी नुकसान हुआ। यानी अगर आप देखें तो इसमें अली रदी अल्लाह तआला ने बिश्र बिन अम्र, साद बिन कैस और इब्ने रबी को अमीर मुआविया के पास रवाना किया कि उनको समझाएं और इताअत कबूल करने पर आमादा करें, यानी उनको बताएं कि ये गलत तरीका है, आप जो बैत ना करके जो किसास का डिमांड कर रहे हैं ये गलत है, आप बैत कर लें, ठीक है। आप एक अमीर को, क्योंकि अल्लाह के रसूल कहे ना कि एक को अमीर मुकर्रर कर लो, तो इसलिए आप मुझे क्या कर लो, अमीर मान लो, और फिर इंशाअल्लाह हम क्या करेंगे, उनके कत्ल का क्या लेंगे, बदला लेंगे। लेकिन वो तैयार नहीं, उन्होंने कहा कि नहीं, हम जो है वो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उनको आप पकड़े, उनकी गर्दनें पकड़े, तभी हम मानेंगे, क्योंकि उन लोगों ने बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। और रिवायत में ये भी आता है कि अली उस्मान रदी अल्लाह तआला की का जो कुर्ता था जिसपे खून लगा हुआ था, ये लेकर वो लोग कुफा दमिश्क की तरफ रवाना हुए थे, यानी बाकायदा वहां के मिंबर पर उनका कुर्ता रखा हुआ। उनका कुर्ता रख कर लोगों को ये एहसास दिलाया जा रहा था कि हमें उस्मान रदी अल्लाह तआला के कत्ल का क्या लेना है, बदला लेना है, ठीक है। और उसके बाद जंगे सिफीन में भी यही मामला हुआ और मामला फिर सेटल हो गया, यानी उसमें कोई ऐसा नहीं हुआ। लेकिन चूंकि दोनों फरीक में से जो जो वो ग्रोह थे जो जंग के लिए आए हुए थे या जो चाह रहे थे कि दोनों के दरमियान सुलह ना हो, उन लोगों ने बहुत बुरा किरदार अदा किया, और इसमें मुआविया रदी अल्लाह तआला के 35,000 अफराद मारे गए और अली रदी उनके फौज के 25,000। आप मुझे बताइए मुआविया रदी अल्लाह के साथ जो जंग कर रहे होंगे वो कौन होंगे, मुआविया रदी अल्लाह तआला के साथ जो होंगे वो कौन होंगे, मुसलमान, और अली रदी अल्लाह तआला के साथ जो होंगे वो मुसलमान, राइट। तो कितने, 35 और 25, कितने हो गए, कितने मुसलमान शहीद हुए, दोनों तरफ से मुसलमान। क्योंकि रिवायतों में आता है कि जब अमीर मुआविया के जब तदफीन की बात आई कि तदफीन करना है, 60,000 मुसलमान शहीद हुए हैं,
60 से 70 हजार तक आते हैं कि इतने मुसलमान जो है वो क्या हुए हैं, शहीद हुए हैं। अल्लाह हिफाजत फरमाए। आप देख रहे हैं ये सिर्फ फितना है, असल चीज पीछे कुछ भी नहीं है, ठीक है, सिर्फ फितना है और सिर्फ गलत फहमियां पैदा की गई हैं। उसके बाद ये जंग भी, इतने जंग इसके बाद कोई रिजल्ट नहीं आया। हुआ ये कि दोनों फरीक ने कुरान को खला किया, हाथों में कुरान ले लिया, नेजे पर कुरान लिया, हाथों में भी नहीं, ठीक है। और ये जो है वो अपने नेजों पर लेकर कहा कि हम कुरान को हकम बनाते हैं, कुरान फैसला करेगा कि हमें क्या करना है, ठीक है। और 37 हिजरी को जो है ये जो जंग हुई, उसके बाद अली रदी अल्लाह तआला ने भी इस बात को एक्सेप्ट किया कि ठीक है हम कुरान के मुताबिक फैसला करेंगे। इनके इस कॉल का असर ये हुआ कि इनके अपने ही ग्रोह के कुछ लोग आपकी इताअत से निकल गए और कहा कि आप काफिर हो गए, यानी अली रदी अल्लाह तआला अन्हु पर कुफ्र का फतवा दिया। ये इनके अपने ग्रोह के लोग थे जिनको बाद में आज हम खवारिज कहते हैं, खवारिज, खवारिज खुरूज करने वाले। 37 हिजरी में ये फिरका वजूद में आया, ठीक है। खवारिज ने अली रदी अल्लाह तआला से ये कहा कि नहीं, हकम सिर्फ अल्लाह है और आप ने कुफर कर लिया ये कहकर कि कुरान को हाकिम बनाएंगे या कुरान से हम फैसला करेंगे। तो उन्होंने कहा भी कुरान अल्लाह की किताब है, फैसला तो कुरान से ही होगा ना। लेकिन उन लोगों ने नबी अली रदी अल्लाह तआला के खिलाफ बगावत की और नहरवान जगह पर अली रदी अल्लाह तआला ने इनसे जंग की, बाकायदा इनकी जंग हुई है। अली रदी अल्लाह तआला ने अपने इन्हीं लोगों से जो कूफी थे और जो आपके साथ ये दम भर रहे थे कि हम आपके साथ हैं, इनके साथ ये आपके खिलाफ हो गए, क्योंकि अली रदी अल्लाह तआला इस बात पर कहीं ना कहीं एग्री कर रहे थे कि हमें उस्मान रदी अल्लाह तआला के कातिलों से बदला लेना है, और वो उनको इस मौकिफ से हटाना चाह रहे थे, लेकिन वो हट नहीं रहे थे। उन्होंने कहा नहीं, जिस दिन भी मुझे इक्तदार मिलेगा मैं क्या करूंगा, कत्ल का बदला लूंगा। तो इसलिए इन लोगों ने सोचा कि हमारी शामत आने वाली है, अब हम क्या करते हैं, अली रदी अल्लाह तआला के खिलाफ ही बगावत कर देते हैं। और इनका एक, इनका खवारिज का एक नारा था, ला हकम इल्लल्लाह। ये नारा लगाकर अली रदी अल्लाह की फौज पर इन खवारिज ने इस जोर से हमला किया कि अली रदी अल्लाह तआला की पैदल फौज का दस्ता अपनी जगह से हट गया। खवारिज इस हिम्मत से लड़ते रहे कि आजा कटने के बावजूद, यानी इनके पार्ट्स ऑफ द बॉडी कटते रहे, लेकिन ये लड़ते रहे, ठीक है। और अली रदी अल्लाह तआला उन्होंने खारजियों की लाश को बगैर तदफीन के मैदान जंग में छोड़ दिया कि ये तो काफिर हो गए। यानी खवारिज का ये अकीदा है कि अगर आपने एक भी गलती कर ली तो आप काफिर हो गए, आप पर जन्नत हराम हो गई है, और आप जो है वो एक भी गलती बंदा कर नहीं सकता है, किसी को आप हाकिम बना नहीं सकते। यानी बहुत अजीब सा इनका जो है वो क्या है, इंशाल्लाह कभी आप खवारिज का फितना लेंगे तो उसको हम कवर करेंगे। उसके बाद अली रदी अल्लाह तआला अन्हु को भी शहीद कर दिया गया इसी खवारिज में से, जो इनका एक बहुत बड़ा लीडर था या इनका एक बहुत बड़ा साथी, इब्ने मुलजिम। इब्ने मुलजिम ने, ये कूफा चले गए फिर, तो कूफा में ही, कूफा की मस्जिद में फजर की नमाज में इब्ने मुलजिम ने अली रदी अल्लाह तआला अन्हु को क्या कर दिया, शहीद कर दिया। अली रदी अल्लाह तआला अन्हु भी क्या हो गए, शहीद हो गए, ठीक है। अली रदी को भी शहीद किया गया और उनको खंजर मारा गया, जंग उसमें क्या कहते हैं, बाकायदा उसमें जहर में डुबो कर, ठीक है। इस तरह से ये भी क्या हो गए, शहीद हो गए। इनके शहादत के बाद, यानी अली रदी अल्लाह तआला की शहादत के बाद, अब आप ये बताएं कि फिर किसके पास पहुंचेगी खिलाफत, अली रदी अल्लाह तआला की खिलाफत के बाद 35 हिजरी से 40 हिजरी तक अली रदी अल्लाह तआला की खिलाफत रही, ठीक है, 4 साल 8 माह 10 दिन। 24 हिजरी से लेकर 35 हिजरी तक, ठीक है, अली रदी अल्लाह तआला की खिलाफत रही, जो कि अगर हम साल में देखें तो 4 साल 8 माह 25 दिन। अली रदी अल्लाह तआला के बाद अब फिर से फितना पैदा किया गया कि अमीर मुआविया बनेंगे या हसन रदी अल्लाह तआला बनेंगे, ठीक है। हसन रदी अल्लाह तआला मौजूद हैं, हसन और हुसैन, चूंकि हसन रदी अल्लाह तआला बड़े हैं और हुसैन रदी अल्लाह तआला ने 1 साल छोटे हैं, यानी जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ था उस वक्त हसन रदी अल्लाह तआला 7 साल के थे
और हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु जो थे वो 6 साल के थे। तो हुसैन छोटे हैं, हसन रदी अल्लाह तआला अन्हु बड़े हैं। अब फिर यहाँ पर मसला पैदा किया गया कि हसन बनेंगे खलीफा या अमीर मुआविया बनेंगे खलीफा। ठीक है, फिर से ये फितना किया गया। तो अब चूंकि 40 हिजरी में अली रदी अल्लाह तआला शहीद हो चुके हैं, तो अमीर मुआविया क्या बने? खलीफा बने। अमीर मुआविया को वहां के लोगों ने कहा कि दिमश्क के जो शाम में वो थे, वहां के लोगों ने कहा कि हम आपको अपना लीडर चुनते हैं। और दूसरा ग्रोह था जो ये कह रहा था कि नहीं, हमें हसन रदी अल्लाह तआला को अपना क्या बनाना है? लीडर बनाना है। अमीर मुआविया ने जो है वो हसन रदी अल्लाह तआला को खत लिखा और समझाया कि देखो, बनू उमैया जो है ना, बनू उमैया जो है वो कत्ल के किसास के तौर पर अभी भी अपने अंदर एक इंतकाम की आग लिए हुए हैं। अगर आप खलीफा बनते हैं तो फिर वो आपको क्या करेंगे? फिर से किसास लेने के लिए उकसाएंगे और आप पर प्रेशर डालेंगे, और उनको ये लगेगा कि शायद आप जानबूझकर किसास नहीं ले रहे हैं, जबकि मैं चूंकि उनके ही खानदान का हूं, तो अगर मैं खलीफा बनता हूं तो इससे ये फर्क पड़ेगा कि उनको कम से कम ये सेटिस्फेक्शन तो होगा कि भाई ये इनके खानदान के हैं, ये अपनी बहन के शौहरों के कातिलों से बदला क्यों नहीं लेंगे। तो ये फितना दबाने के लिए आप मुझे क्या बना दे? खलीफा बना दे, मेरे हाथ पर बैठ कर ले। हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु को इनकी ये बात बहुत पसंद आई, और हसन रदी अल्लाह तआला अन्हु ने बैत के लिए तैयार हो गए। और ये असल में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत बड़ी पेशीन गोई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, जबकि हसन रदी अल्लाह तआला अन्हु 2-3 साल 4 साल के रहे होंगे, कि मेरा ये बेटा सरदार है, ये मुसलमानों की दो अजीम जमातों के दरमियान सुलह करवाएगा। मुस्तदरक हाकिम की रिवायत है कि मेरा ये बेटा यानी हसन सरदार है और ये मुसलमानों की दो बड़ी जमातों के दरमियान, जबकि बहुत बड़ा फितना होगा, ये सुलह करवाएगा। हसन रदी अल्लाह तआला अन्हु ने बाकायदा शाम जाकर मस्जिद में अमीर मुआविया की बैत की, और अपने भाई हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया कि तुम खड़े हो फबायहू, और इनकी बात कर। हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु एग्री नहीं थे, वो नहीं चाह रहे थे, वो कह रहे थे कि नहीं आप बने खलीफा। तो हसन रदी अल्लाह तआला जो कि बड़े थे 1 साल, उन्होंने चिल्ला कर कहा यानी डांटते हुए कहा, तुम खड़े हो जाओ, और मैं कह रहा हूं ना कि तुम्हें मुआविया की क्या लेनी होगी? बैत लेनी होगी। तो उन्होंने अमीर मुआविया की बैत ली। इसी तरह से दूसरे भी कमांडर्स थे, उन सबको हसन रदी अल्लाह तआला ने बैत लेने के लिए कहा। ठीक है, तो अब ये बैत हो गई। बैत हो गई मतलब हसन और हुसैन रदी अल्लाह तआला ने भी अमीरे मुआविया को क्या मान लिया? अपना लीडर मान लिया। ठीक है, हाँ, इनकी खिलाफत 6 महीने रही। 6 महीने के बाद फिर ये जो है वो दस्तबरदार हो गए। लेकिन ये भी याद रखे कि हसन रदी अल्लाह तआला ने सुलह का जो पैगाम भेजा कि ठीक है, मैं सुलह करने के लिए, पीस के लिए एग्री करता हूँ, तो उन्होंने अपनी कुछ कंडीशंस भेजी थी अमीर मुआविया के पास, और कहा था कि अगर आप मेरी ये शरायत को पूरा करेंगे तो मैं आपको क्या करूंगा जो है वो अमीर मानूंगा। और वो उन्होंने अपनी कंडीशंस अमीर मुआविया को पेश की। अमीर मुआविया ने तमाम शर्तों को कबूल कर लिया और अब्दुल्ला बिन आमिर के जरिए हसन के पास भिजवा दिया। हसन रदी अल्लाह तआला ने अपने आप को खिलाफत से दस्तबरदार किया कि लोगों, तुम्हें मेरे लिए लड़ने की और झगड़ने की जरूरत नहीं है, मैं खुद अपनी मर्जी से अपनी पोजीशन को क्या कर रहा हूँ? छोड़ रहा हूँ। ठीक है, अब इसके बाद 40 हिजरी से लेकर 60 हिजरी, कितने साल बनते हैं? 40 से 60, 20 साल है ना। इस 20 साल में कोई जंग नहीं हुई, कोई फितना नहीं हुआ। अमीर मुआविया ने बहुत अच्छे तरीके से मामला को हैंडल किया, फितनों को बहुत अच्छे से कवर किया, और जो फितना कर रहे थे उनके साथ बहुत सख्ती से वो पेश आए, और इसके नतीजे में इन 20 सालों में कभी भी कोई फितना नहीं हुआ। अच्छा, अमीर मुआविया की कुछ फजीलत, चूंकि अमीर मुआविया बने हैं तो उनकी कुछ फजीलत हमें पढ़ना चाहिए। अमीर मुआविया जो हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुखारी में एक रिवायत मिलती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत का जो सबसे पहला काफिला जो है वो क्या करेगा? बहरी सफर करेगा, समंदरी सफर करेगा। ठीक है, और वो जो समंदर का सफर करेगा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बुखारी की हदीस है वो पूरी रिवायत इस तरह से मिलती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा उम्मे हराम
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रदाई खाला थी, उनके घर में लेटे हुए थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख लग गई। आप जब उठे तो आप मुस्कुरा कर उठे। उन्होंने पूछा कि अल्लाह के रसूल आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं, यानी जो उम्मे हराम थी उन्होंने पूछा कि अल्लाह के रसूल सर आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं। तो उस अल्लाह के रसूल सर ने फरमाया कि मैंने अपनी उम्मत के उस ग्रोह को देखा जो कि पहली मरतबा समंदर में गया लड़ने के लिए, और उसमें जो भी शरीक होगा अल्लाह ताला ने मुझे बशारत दी है कि उस जंग में उस बहरी यानी समंदर के उसमें जो भी शरीक होगा वो क्या होगा, वो मकफूर होगा, यानी उसकी मगफरत होगी, वो बख्शा हुआ होगा, उसको जन्नत की बशारत। तो उम्मे हराम रदी अल्लाह ताला ने अल्लाह के रसूल से कहा, अल्लाह के रसूल मेरे लिए भी दुआ कर दें कि मैं भी उसमें क्या कर हो जाऊं, उसमें शामिल हो जाऊं। तो अल्लाह के रसूल फरमाया तुम उन्हीं में से हो। और फिर ऐसा हुआ कि वो उस वक्त वहां मौजूद थी, अपने घोड़े से गिरी और उनका इंतकाल हो गया। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशेंगोई की थी कि इन्ना अव्वल मा रदिफल मुस्लिमून अल बहर मा मुआविया, पहला जो ग्रोह समंदरी सफर करेगा, समंदरी जंग लड़ेगा, वो अमीर मुआविया की क्यादत में होगा। और आपने क्या फरमाया था, जो उस जंग में जो भी फौजी शरीक होगा, जो भी उसमें हिस्सा लेगा, वो क्या होगा, उसको जन्नत की बशारत दी गई थी। ठीक है, इन 20 सालों में जो फितना था, उस्मान रदी अल्लाह तआला के कातिलों से बदला लिया गया या जो है वो उनको पकड़ा गया या नहीं पकड़ा गया, इसकी कोई डिटेल मिलती नहीं है कि क्या किया गया। ठीक है, क्योंकि ये लोग आप अंदर घुसे हुए थे ना, इनका कोई अलग से नहीं था, बल्कि ये अंदर ही अंदर से अपना जो है वो क्या बना रहे थे, जाल बना रहे थे। अमीर मुआविया की बहन उम्मुल मोमिनीन उम्मे हबीबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी थी, है ना। अमीर मुआविया ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उम्रा किया और उम्रा से फारिग होकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल कैंची से काटे और वो अपने पास तबर्रुक के तौर पर रख लिए। ठीक है, तो अमीर मुआविया की बहुत सारी फजीलतें हैं, और सबसे अहम फजीलत जो मैं आपको बताऊं अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला की, वो ये है कि वो कातिबे वही हैं। अल्लाह के रसूल सल्लम पर जो वही नाजिल होती थी वो उस वही को लिखा करते थे, यानी ये इनकी बहुत बड़ी फजीलत है। अमीर मुआविया से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 163 अहादीस मरवी हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमीर मुआविया के लिए दुआ फरमाई, ए अल्लाह मुआविया को कुरान और हिसाब सिखला, और ए अल्लाह तो मुआविया को अजाब से बचा लेना। दूसरी, ये इमाम अहमद बिन हम्बल की रिवायत है। दूसरी रिवायत में है मुसनद अहमद की, ए अल्लाह इसे कुरान सिखा और मुल्क में उसे इक्तदार अदा कर और उसे अजाब से बचा ले। अब्दुलरहमान बिन आले उमेर से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमीर मुआविया के हक में ये दुआ फरमाई, ए अल्लाह इसे हिदायत देने वाला, हिदायत याफ्ता बना और इसके जरिए दूसरों को हिदायत दे, यानी इसको इसको दूसरों के लिए भी तो क्या बना, हिदायत का जरिया बना। 12 हिजरी में मुसैलमा कज़्ज़ाब के खिलाफ जो जंग हुई उसमें अमीर मुआविया भी शरीक थे। ठीक है, और इसी तरह से अमीर मुआविया की बहुत सारी फजीलतें हदीस में मरवी हैं। अच्छा, अमीर मुआविया पर एक इल्जाम ये लगाया जाता है कि अमीर मुआविया ने, यस, उम्मे हबीबा के भाई थे, अच्छा, इस दौरान में अमीर मुआविया ने जो इनका 20 साल का अरसा था इसमें कई जंगें हुई हैं, खारजी फिरके से भी इन्होंने जंग की है, इसी तरह से दूसरे जो भी सरपशन थे यानी जो ज्यादा फितना फैला रहे थे इनको उन्होंने कत्ल भी करवाया है, यानी कहीं ना कहीं इन्होंने उस्मान रदी अल्लाह तआला के कत्ल का बदला लिया है। जहां जहां इनको खुलकर उनका निफाक समझ आया या उनकी साजिशें समझ आई हैं, यही वजह है कि फिर बगावतों पर इन्होंने क्या कर लिया था, काफी हद तक काबू पा लिया था। ठीक है, काफी हद तक इन्होंने, और कोई फितना आप समझ सकते हैं कि 20 साल का अरसा अगर पूरे उसमें जा रहा है, सुकून में जा रहा है, तो इसका मतलब यह है कि फितनों पर इन्होंने काफी कब्जा, आप काफी कंट्रोल कर लिया था। अच्छा, अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला ने अपनी जिंदगी में ही, इन पर ये इल्जाम लगता है कि इस्लाम में चूंकि बादशाहियत नहीं है ना, कि बाप मरेगा तो बेटा होगा, 6 महीने हसन रदी अल्लाह तआला अन्हु रहे, यानी 6 महीने तक इनकी आपस में ये चलती रही कि करना है क्या करना है, फिर उसके बाद उन्होंने अपने इस हक से दस्तबरदार हो गए यानी हट गए। यस सिस्टर उस्मान, अमीर मुआविया ने अपनी जिंदगी में ही यानी 4 साल पहले, अपनी जिंदगी में यानी अपनी मौत के 4 साल पहले इन्होंने अपने बेटे यजीद को नामजद कर दिया, यानी नॉमिनेट कर दिया कि मेरे बाद मेरा बेटा यजीद जो है वो क्या बनेगा,
अमीर बनेगा, अमीरुल मोमिनीन बनेगा, जबकि बहुत सारे सहाबा मौजूद थे, ठीक है, और बड़े बड़े किबार सहाबा मौजूद थे, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास मौजूद थे, अब्दुल्ला इब्ने उमर मौजूद थे, इसी तरह से और भी बहुत सारी पर्सनैलिटीज उस वक्त मौजूद थी, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने अपने बेटे यजीद को कहा, इसके पीछे बहुत बड़ी वजह थी, बहुत बड़ी वजह, इसके पीछे वजह ये थी कि यजीद जो थे ये बहुत ज्यादा स्ट्रेटजी रखते थे, बहुत ज्यादा इनके अंदर अमीर मुआविया ने अपने बेटे यजीद बिन मुआविया, जिनको हम कहते हैं ना, जो यजीद नऊज बिल्ला गालियां दी जाती हैं, शराबी कहा जाता है, क्या कहते हैं कि कबूतरबाजी करते थे, गेम खेलते थे, इस तरह की बातें कही जाती हैं, जबकि इनके ताल्लुक से अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि बहुत ज्यादा नेक इंसान थे। किसकी गवाही है ये? अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि यजीद बहुत ज्यादा नेक इंसान थे। अच्छा, इन्हीं के खानदान यानी हुसैन, हसन और हुसैन के खिलाफ कहते हैं ना, इन लोग कहते हैं कि यजीद ने कत्ल करवाया ना हुसैन रदी अल्लाह तुमको, तो मोहम्मद बिन हनफिया जो कि अली रदी अल्लाह तुम के बेटे हैं, यानी अगर देखा जाए तो रिश्ते में ये हसन और हुसैन के भाई हैं, यानी दूसरी माँ से थे, इब्ने हनफिया हैं ये। मोहम्मद बिन हनफिया कहते हैं कि मैं यजीद के पास कई दिन रहा, मैंने देखा कि वो नमाज के पाबंद हैं, भलाई के तालिब हैं, है ना, और फिक की यानी इल्म फिक की फिक्र रखते हैं, उलमा से सवालात करते हैं, सुन्नत के पाबंद हैं। तब इन्होंने ये कहा था, मोहम्मद बिन इब्ने हनफिया ने इस बात को, जब इनके पास एक शख्स यानी, और ये गवाही कब दे रहे हैं, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट करें, मोहम्मद बिन हनफिया जो कि अली रदी अल्लाह तआला के बेटे हैं, हसन और हुसैन रदी अल्लाह अनुमा के भाई हैं, ये क्या गवाही दे रहे हैं, कब दे रहे हैं, वो मेन इंपॉर्टेंट है, क्या गवाही दे रहे हैं वो तो बाद की बात है। ये जो गवाही इनकी नोट की गई है तारीख में, ये है कर्बला के वाकये के बाद। अगर आप मुझे बताएं आपके भाई को कोई कत्ल कर दे और आप उसके बारे में ये कहें कि सुन्नत का पाबंद है, अमल बहुत अच्छा है और दीन बहुत अच्छा है, फहम बहुत अच्छी है, उलमा से सवालात करते हैं, ये हो सकता है? इज दिस पॉसिबल? ये कर्बला के वाकये के बाद है कि कर्बला के बाद मदीना के अंदर कुछ लोगों ने यजीद के खिलाफ बगावत की। इस बगावत में एक नाम था अब्दुल्ला बिन मुती का, यानी जो बागी लोग थे ये मदीना में यजीद के खिलाफ बातें फैला रहे थे उसी वक्त, आज तो सोचे कितनी बात पहुंच चुकी है। तो उस अब्दुल्ला बिन मुती ने मोहम्मद बिन हनफिया के बारे के पास आए और कहा कि यजीद ऐसा है वैसा है, शराब पीता है, कबूतरे उड़ाता है, अल्लाह के अहकाम पर नहीं चलता है और बहुत गलत अमल करता है। तो उसके जवाब में मोहम्मद बिन हनफिया ने ये जवाब दिया था कि नहीं, मैं यजीद के पास कई दिन तक रहा हूँ, ठीक है, मैंने देखा है कि वो नमाज कभी नहीं छोड़ता है, भलाई का तालिबे ने नेकी करने की तलब है उसके अंदर, और उसके अंदर इल्म फिक हासिल करने की चाह है, उलमा से सवालात करता है, दीन की फिक हासिल करता है और सुन्नत का पाबंद है। जब इन्होंने ये जवाब दिया तो सामने वाला तो मायूस हो जाएगा ना कि भाई मैं तो बुराई कर रहा हूँ और ये तारीफ कर रहे हैं। तो फिर उसने कहा कि वो आपको दिखाने के लिए ऐसा करता है, वो आपको दिखाने के लिए, मोहम्मद बिन हनफिया ने कहा मुझे उसको मुझसे क्या डर है, वो खुद अमीरुल मोमिनीन है, उसको मुझसे डर क्या है, और दूसरा वो खुद अमीरुल मोमिनीन है, पूरे उस पर काबिज है, उसको मुझसे लालच क्या है, यानी या तो लालच में कोई करता है चापलूसी या दिखावा, या तो डर से करता है, तो ना उसको मुझसे डर है ना उसको मुझसे किसी चीज की उम्मीद है। अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह तआला ने एतराज किया मुआविया रदी से आप पर यजीद को कि आप क्यों उसको खलीफा बनाकर जा रहे हैं, यानी अब्दुल्ला बिन उमर को जब ये बात पता चली कि मुआविया रदी अल्लाह तआला अपनी जिंदगी में ही अपने बेटे को नामजद कर चुके हैं, तो उनको पूछा कि भाई क्यों आप ऐसा करके जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा मुझे डर है कि मैं अपने बात किसी को अगर नॉमिनेट नहीं करूंगा तो मुझे डर है जिस तरह तूफानी बारिशों में जो बकरियों का रेवड़ होता है उनका कोई देखने वाला नहीं होता, नहीं अगर तूफानी बारिश आ जाए तो बकरियां जो है वो चितर बितर हो जाती हैं, यहाँ वहां चली जाती हैं, मुझे ऐसे ही लग रहा है कि ये जो फितनों की बारिश है इस फितनों की बारिश में ऐसा ना हो कि मेरे मरने के बाद दोबारा से बनू उमैया में और जो है वो कुरैश में फिर से झगड़ा शुरू हो जाए और फिर से जो है फितने सर उठाएं, मैं उस फितने को दफन करने के लिए अपने बेटे को नामजद करके जा रहा हूँ। अच्छा, इसमें उलमा ने सिर्फ
पांच सहाबा के नाम मिलते हैं जिन्होंने मुआविया रदी अल्लाह तआला के इस फैसले पर एतराज किया। एक हुसैन रदी अल्लाह तआला नू, एक जो है वो अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर रदी अल्लाह तआला नू, तीन या चार या पांच ही सहाबा के नाम आते हैं जिन्होंने इस बात को कबूल नहीं किया कि इनको खलीफा बनाया जाए, ठीक है, यानी किसको, यजीद को। लेकिन बाकी तमाम लोगों ने इनकी बैत को कबूल किया था। तो उस इनको जब पूछा गया कि भाई क्यों, अच्छा ये मुझे बताएं कि मकसद क्या था इन, और ये जो इख्तलाफ भी था ना, जिनको जिन्होंने इख्तलाफ किया था, अब्दुल्ला बिन जुबैर रदी अल्लाह तआला ने, और अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर रदी अल्लाह तआला ने, और हुसैन बिन अली रदी अल्लाह तआला ने थे, और दो नाम है मुझे याद नहीं आ रहे हैं। इन लोगों ने जो है वो क्या किया, एतराज किया, यानी चार लोगों ने। तो जो चार लोगों के नाम मिलते हैं, इनको भी ऑब्जेक्शन इस बात पर नहीं था, यानी यजीद के किरदार पर ऑब्जेक्शन नहीं था, याद रखें, इनको ऑब्जेक्शन इस बात पर था कि ये फिर क्या हो जाएगा, एक सुन्नत बन जाएगी, लोगों में एक ट्रेंड पैदा हो जाएगा कि लोग अपने बाद अपने बच्चों का नाम करके जाएंगे, और इस्लाम में बादशाहियत नहीं है, खिलाफत है। इस चीज से इट्स नॉट अलाउड इन इस्लाम। अदरवाइज उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं आपका बेटा इस काबिल नहीं है, यजीद के अंदर ये खूबी नहीं है, और यजीद इस बात का हकदार नहीं है, इसलिए नहीं, बल्कि सबको पता था कि यजीद के अंदर ये काबिलियत है कि यजीद क्या कर सकते हैं, खिलाफत कर सकते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यजीद के ताल्लुक से बहुत ही जबरदस्त हदीस मिलती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बशारत दी थी कि कुस्तुनतुनिया की जो जंग होगी, कैसर का जो मदीना का जो कैसर का जो कैपिटल है कुस्तुनतुनिया, वहां पर एक लश्कर जाएगा, और उस लश्कर में शामिल होने वाला हर शख्स जो भी रहेगा वो क्या होगा, मगफूर होगा, यानी बख्शा बख्शाया, बख्श दिया जाएगा, मगफूरुल्ला। अल्लाह के रसूल की ये सही अहादीस है, हदीस में मिलता है। तो इस जंग में अब्दुल्ला बिन जुबैर रदी अल्लाह तआला भी शामिल थे, इस जंग में अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह तआला भी शामिल थे, इसमें अबू अय्यूब अंसारी रदी अल्लाह तआला भी शामिल। और आपको पता है कि ये जो कुस्तुनतुनिया की जंग हुई थी, इसमें जो अमीर अबू अय्यूब अंसारी रदी अल्लाह तआला शामिल हुए थे, इनकी उम्र उस वक्त 80 साल थी, लेकिन बशारत जो थी अल्लाह के रसूल की कि मगफूरुल्लाह, ये वो ग्रोह है जो बख्श दिया जाएगा, तो इस उम्मीद पर इन्होंने कि मुझे भी बख्श दिया जाएगा, इन्होंने इस जंग में हिस्सा लिया, ठीक है। यानी इब्ने कसीर रहीमहुल्लाह ने अलबिदाया व निहाया में नकल किया है कि इस लश्कर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज नोट करें, हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु भी थे इस लश्कर में, अब्दुल्ला इब्ने उमर भी थे, अबू अय्यूब अंसारी रदी अल्लाह तआला अन्हु भी थे, और उससे इंपॉर्टेंट चीज के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सहाबी हैं अबू अय्यूब अंसारी रदी अल्लाह तआला, उनके बहरी सफर था, यानी ये समंदर का सफर था, तो जब अबू अय्यूब अंसारी रदी अल्लाह तआला अन्हु बीमार हो गए, तो इनको जब ये यकीन हो गया कि मैं मर जाऊंगा, हो सकता है मेरी ये बीमारी मेरी मौत का जरिया बने, तो यजीद जो है, ये यजीद बिन मुआविया, यजीद जो कि ताबई है, इसलिए हम इनको रदी अल्लाह अन्हु नहीं कहते हैं, यजीद बिन मुआविया रदी अल्लाह अन्हु, जब ये आए आपकी आयादत के लिए, जब उनको पता चला कि अबू अय्यूब अंसारी जो है बहुत बीमार हैं, तो जब वो इनकी आयादत के लिए आए, तो अबू अय्यूब अंसारी ने वसीयत की यजीद को, यजीद बिन मुआविया रदी अल्लाह तआला को वसीयत करते हुए क्या कहा कि मेरी लाश को जब मैं मर जाऊं, तो मेरी लाश को समंदर में नहीं बहाना, मेरी लाश को जब तुम किसी खुशकी की जगह पर उतरोगे, तो मुझे वहां पर क्या कर देना, दफन करना, यानी मेरी लाश आपको समंदर में नहीं बहाना है, मेरी लाश को आपको दफन करना है। उसका रीजन उन्होंने क्या बताया था, उसका रीजन उन्होंने बताया था कि मैं कल जब अल्लाह के सामने खड़ा होऊंगा, तो मैं अल्लाह से कहूंगा कि ऐ अल्लाह, मेरी बॉडी ने जिंदा हालत में भी तेरे लिए जिहाद का सफर किया, और मैंने मरने के बाद भी मेरी मुर्दा बॉडी ने भी आपके लिए जिहाद के लिए सफर किया आपकी राह में, यानी मैं अल्लाह के सामने ये अपना एक उज्र रखूंगा, हो सकता है अल्लाह मेरे उस अमल को कबूल कर ले, और अल्लाह ताला मेरी क्या कर दे, मगफरत फरमा दे। तो रिवायत में आता है, और साथ ही साथ आप देखें, हाँ, लश्कर में हुसैन बिन अली रदी अल्लाह तआला मौजूद हैं, लश्कर में अब्दुल्ला इब्ने उमर रदी अल्लाह तआला मौजूद हैं, उसके बावजूद अबू अय्यूब अंसारी रदी अल्लाह तआला ने कहा मैं वसीयत करता हूँ कि जब मैं मर जाऊं, तो मेरी नमाज जनाजा ए यजीद तुम ही पढ़ाना। कैसे मुमकिन हो सकता है अबू अय्यूब अंसारी जैसा सहाबी
जिसके घर पर अल्लाह के रसूल ठहरे, जिन्होंने अल्लाह के रसूल के साथ इतने गजवे किए, जो आखिरी वक्त में अपने 80-82 साल की उम्र में जिहाद के लिए निकल रहे हैं, नऊज़ बिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, एक शराबी से ये कहें कि मेरी नमाज जनाजा पढ़ो, कैसे पॉसिबल है? आप सोचें सही, क्या कहाँ तक हम अपनी जबानों को इस्तेमाल कर रहे हैं और क्या क्या फितनेबाजियां हो रही है। उसके बाद रिवायत में आता है कि उनका इंतकाल हो गया, उनकी लाश जब कुस्तुंतनिया लेकर गए और जब वहां पर समंदर से बाहर उतरने के बाद जब उनको दफन करने का प्रोसीजर हुआ, तो जो किले में ये लोग बंद थे ईसाई, उन्होंने वहां से कब्र से आवाज लगाई उस किले से और कहा कि ठीक है दफन कर लो। कौन है? कहा अबू अय्यूब अंसारी हैं, अल्लाह के रसूल के प्यारे सहाबी हैं जिनको मैं दफन कर रहा हूँ, यजीद ने कहा। तो कहा कि दफन कर लो, तुम यहां से अभी 2 कदम भी नहीं जाओगे, हम इनकी कब्र को उधेड़ देंगे और इनकी लाश की बेहुरमती करेंगे। तारीख में अल्फाज आप नोट करें, सही अल्फाज, यजीद ने कहा था, अल्लाह की कसम अगर तुमने इनकी कब्र को हाथ तक लगाया, इस पूरे कसरा में एक भी ईसाई को जिंदा नहीं छोड़ूंगा और एक भी कलीसा को सीधा नहीं रखूंगा, सारे तोड़ दूंगा, अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं। और इतने जबरदस्त अंदाज में कहा था कि तारीख में आता है कि उन लोगों ने कहा हम मजाक कर रहे थे, हम कभी ये जुरत नहीं कर सकते कि हम कभी इनकी लाश को हाथ लगाएं, और अभी तक भी उनकी लाश को कोई टच करने की हिम्मत नहीं कर सका है, उनके ही शहर में दफन करने के बावजूद। और फिर कुस्तुंतुनिया क्या हुआ, बाद में फतह हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये ईमान का लेवल था यजीद का, और हम कह रहे हैं कि वो क्या थे, नऊज़ु बिल्लाह औबाश किस्म के थे। ये सारी चीजें उन पर क्या कर रही है, ये इल्जाम लगाई जा रही है। ठीक है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अल्फाज हदीस में बुखारी में मिलते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत का पहला लश्कर जो मदीने कैसर यानी कैसर की राजधानी पे जो है वो क्या करेगा, कैसर की कैपिटल कुस्तुंतुनिया पर हमला करेगा, ये कैसर का कैपिटल है, उस लश्कर के तमाम शुरका, तमाम अमीर, तमाम आर्मी मकफूर हैं, उनको जन्नत की बशारत दी गई है। ठीक है, तो ये है अली यजीद की जो है वो फजीलत, जिसको कि हम क्या कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ी फजीलत इनकी है, लेकिन हम उनको क्या कर रहे हैं, आज के लोग इनके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं और कहीं ना कहीं हम भी डाउट में हैं कि अच्छा ये यजीद थे कौन, कैसे थे, क्या थे, कहाँ थे, क्या कर रहे थे, ये तमाम चीजें। चले अब लास्ट पॉइंट पर आते हैं, और वो लास्ट पॉइंट है यजीद हुसैन रदी अल्लाह तआला, यानी अब यजीद जो है वो खलीफा बन चुके। अब खलीफा बनने के बाद जब यजीद अमीर मुआविया का इंतकाल हो गया, अमीर मुआविया के इंतकाल के बाद चूंकि उन्होंने पहले से ही अपॉइंट कर दिया था उनकी खूबियों की बिना पर और उनकी बहुत सारी क्वालिटीज की बिना पर, और अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रदी अल्लाह तआला ने भी इस फैसले को कबूल किया था कि वाकई में यजीद के अंदर ये खूबियां हैं कि वो क्या बने, अमीरुल मोमिनीन बने। तो जब उनकी उनको जब नामजद कर दिया गया और जब उनकी खिलाफत हो गई, तो अब हुसैन रदी अल्लाह तआला ने उनके हाथ पर बैत की या नहीं की, इस ताल्लुक से अगर हम हुसैन रदी अल्लाह तआला की जिंदगी को 5 अदवार में डिवाइड करेंगे तो बात आपके बिल्कुल सामने आ जाएगी। अली रदी अल्लाह, जब तक हुसैन रदी अल्लाह तआला नु, यानी जब यजीद खलीफा बन रहे हैं तो हुसैन रदी अल्लाह तआला नु मौजूद है। ठीक है, अब हुसैन रदी अल्लाह तआला नु जो है वो क्या करते हैं कि मदीना में है, मदीना में आपको पता चलता है कि अमीर मुआविया शहीद हो गए या अमीर मुआविया का इंतकाल हो गया, शहीद नहीं में इंतकाल हो गया। तो अमीर मुआविया के इंतकाल के बाद कौन खलीफा बन गया उनकी पेशन गोई के मुताबिक, नॉमिनेशन के मुताबिक? यजीद। अब मदीना में हुसैन रदी अल्लाह तआला ने कोई बात नहीं कही, कुछ नहीं कहा, हुसैन रदी अल्लाह तआला के कोई भी अल्फाज किसी भी सही रिवायत में नहीं मिलते हैं कि हुसैन रदी अल्लाह तआला का क्या था, क्या मौकिफ था यजीद की खिलाफत पर, यानी यजीद जो खलीफा बने हैं उसको, उस पर उनका क्या मौकिफ था ये हम नहीं कह सकते। तो जब तक मदीना में हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु थे, आप यजीद की खिलाफत के बारे में क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, क्या कमेंट रखते हैं? अभी तक उलमा लिखते हैं कोई सही रिवायत मौजूद नहीं है कि उन्होंने किसी से डिस्कस किया हो कि नहीं यजीद की खिलाफत सही नहीं है, मैं नहीं मानता हूं, मैं नहीं एक्सेप्ट करता हूं। हाँ ये आता है कि आप वहां पर खामोश रहे। उसके बाद मदीना से ये जो है वो कहाँ पहुंचे, मक्का पहुंचे। मक्का जाने के बाद ये पहले मदीना थे, फिर मदीना से ये मक्का चले गए। अब मक्का क्यों गए, जब अमीर मुआविया की इंतकाल की इनको खबर मिली तो ये मक्का चले गए। अच्छा मक्का क्यों गए, क्या रीजन था, कोई नहीं मालूम। और यजीद कहाँ था उस वक्त, यजीद जो रहीमुल्ला कहाँ थे, वो
दिमश्क में थे, शाम में। बाज लोग कहते हैं कि हुसैन रदी अल्लाह तआला नु मदीना से मक्का गए इस रीजन की वजह से क्योंकि वो यजीद की बैत नहीं करना चाहते। तो इस बात को भी नोट कर लें कि अगर यजीद, अगर जो है वो मदीना में यजीद रहीमुल्ला की खिलाफत थी तो मक्का में भी थी, हिजाज में रहेगी ना भाई, सब जगहों पर वही खलीफा होंगे, उन्हीं का हुक्म होगा। तो इसलिए ये बैत से डर कर नहीं भागे थे। बाज रिवायतों में आता है कि रजब का महीना था, वो उमरा के लिए निकले थे, और बाज रिवायतों में आता है कि वो हज की नियत से निकले थे, हज के अय्याम करीब। ये दो रिवायतें मिलती है, बाकी कोई और रीजन नहीं था, बैत से नहीं भागे थे। ठीक है, अब जो मैंने बताया कि रजब का महीना था, हो सकता है उमरा करने गए हों, या फिर हो सकता है किसी काम से गए हों, किसी किसी से मुलाकात करने गए हों, किसी से मशवरा करने गए हों, किसी से कुछ चीज शेयर करने गए हों। इस बारे में तारीख एकदम खामोश है। मक्का में आकर हुसैन रदी अल्लाह ताला उन्होंने क्या किया, क्या प्लान किया, इस बारे में भी सिर्फ एक या दो सही रिवायत हमें मिलती है। इब्न तबरानी रहीमुल्लाह ने इसको नकल किया है, अल मौजिमुल कबीर तबरानी जिल्द थर्ड में, एंड इसके जो वॉल्यूम थर्ड में, इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला उन्होंने फरमाते थे कि हसन हुसैन ने मुझसे इजाजत तलब की। यानी क्या किया मक्का में आने के बाद हुसैन रदी अल्लाह ताला उन्होंने क्या किया? तो मैंने जैसे आपसे कहा ना कि हो सकता है उमरा की नियत से गए हो, लेकिन चूंकि उन्होंने कुछ कहा ही नहीं है तो हम कैसे कहें कि भाई वो उमरा करने गए थे। अच्छा, हम ये भी नहीं कह सकते कि वो हज की नियत से गए थे क्योंकि उन्होंने कुछ भी नहीं कहा है। तो अब कैसे पता चले कि वो क्यों गए थे? तो वहां जाने के बाद उन्होंने जो जो काम किए हैं, उस ताल्लुक से ये कहा जाता है कि इमाम तबरानी रहीमुल्ला ने जो इसको अपनी तफसीर तारीख तबरी में नकल किया है कि हुसैन रदी अल्लाह तआला ने जब मक्का पहुंचे तो उन्होंने अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदी अल्लाह तआला नु से मशवरा किया, अपने अब्दुल्ला इब्ने अब्बास से कहा कि मैं कूफा जाना चाहता हूँ। अच्छा, उसके पीछे रीजन क्या था कि कूफा के जो लोग थे, जब जब ध्यान से सुने क्योंकि ये हमारा मेन टॉपिक है, हुसैन रदी अल्लाह तआला ने जब मदीना से मक्का चले गए तो लोगों ने ये समझा कि शायद हुसैन रदी को यजीद की खिलाफत मंजूर नहीं है और वो उनको अपना खिलाफ खलीफा नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं, कबूल कर रहे हैं, इसलिए वो मक्का चले गए हैं। तो अब हमारे पास चांस है। और जैसे ही कूफा के लोगों को ये पता चला कि हुसैन रदी अल्लाह तआला मक्का में है, इन्होंने खत लिखना शुरू किया। और आपको पता है कि इन्होंने कमोबेश इतने खत आए, इतने खत आए, रिवायतों में आता है कि आपके पास एक संदूक भर कर, यानी पूरा एक आप आज के दौर में एक बैग सूटकेस कह सकते हैं, ये भर गया था जिसमें कि ये क्या था, इनके खतूत थे कि हम आपको अपना खलीफा मानते हैं, आप आ जाएं, हम आपसे एग्री करते हैं। और यहाँ पर सुन्नत, इब्न तैमिया रहीमुल्लाह फरमाते हैं कि इन लोगों ने यहाँ तक लिखा कि सुन्नतें मिट रही हैं, बिदअतें जिंदा हो रही हैं और हमें आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है, यहाँ के लोगों में बहुत फितना आया है, इस फितने को खत्म करने के लिए आपको कूफा आना होगा। और इतने खत के वो परेशान हो गए, तो उन्होंने अपने एक भाई हैं मुस्लिम बिन उकैल, इनको भेजा कूफा की तरफ और कहा कि मुस्लिम बिन अकील को भेजकर आपने क्या कहा कि जाओ और वहां जाकर मालूम करो कि क्या मामला है। ठीक है, क्या मामला है, क्या वाकई में ये लोग सही में इस बात से एग्री कर रहे हैं कि मैं यहाँ जाऊं? तो ताकि ठीक है, ठीक है, तो ये चले गए। और वहां हानी बिन उरवा के यहाँ घर रुके, हानी नाम आता है वहां जो है कूफा के जो सरदार हैं, हानी बिन उरवा के यहाँ ठहरे। और लोग आपके हाथ पर हुसैन बिन अली की बैत करना शुरू हो गए। पहले ही दिन रिकॉर्ड करें, नोट करें, फर्स्ट डे जो उन्होंने बैत के लिए वो बैठे मस्जिद में, 12,000 लोगों ने बैत की कि हम हुसैन रदी अल्लाह तआला को अपना खलीफा मानते हैं, हम हुसैन रदी अल्लाह तआला के को फेवर करते हैं कि वो आए और हमारे दरमियान में इंसाफ करें, हमें सही रास्ता दिखाएं, हम उनकी बात मानेंगे, हम उनको इज्जत देंगे, हम उनको एक्सेप्ट करेंगे। ये सारी बातें इन लोगों ने की। ठीक है, मुस्लिम बिन अकील ने ये सारे हालात लिखकर दो शख्स, कैस और अब्दुलरहमान को मक्का हुसैन रदी अल्लाह उनके पास भेज दिया। यानी अब 12,000 मिल रहे हैं, दूसरे दिन और कई हजार आ रहे हैं, तो इनको बड़ी खुशी हुई, कह रहे ये तो सारे के सारे हुसैन रदी के साथ है। तो इन्होंने दो लोगों को मक्का भेज दिया और कहा कि यहाँ के लोग आपसे बहुत ज्यादा खुश हैं और आपको, आपकी बहुत इज्जत करते हैं, आपका साथ देने के लिए तैयार हैं, इसलिए आप जैसे ही आपको मेरा खत मिले आप मक्का आ जाए, यहाँ कूफा आ जाए। जब ये खतूत अली रदी अल्लाह हुसैन रदी अल्लाह को मिले तो हुसैन रदी अल्लाह तआला उन्होंने खत
कहा कि इरादा किया कि ठीक है अब मैं कूफा जाऊं। तो मदीना से मक्का पहुंचे, मक्का से कहाँ जा रहे हैं, कूफा की तरफ। तो कूफा के लिए निकले, अपने घर के कुछ रिवायतों में आता है कि इनके घर के 70 लोग और कुछ जो अब्दुल्ला बिन सबा के गुरु के जो लोग थे, जो कूफी थे, 10-12 थे, वो भी थे, वो भी साथ हो गए कि चलो हम भी जा ही रहे हैं, हम आपके साथ चलेंगे। तो ये 10-12 कुछ 20 के करीब इनके लश्कर, यानी 90-100 के अंदर ही इनकी तादाद थी जो हुसैन रदी अल्लाह उनके साथ निकले। ठीक है, इसमें हुसैन रदी अल्लाह उतर उनकी बहन थी जैनब। अच्छा, आप में से कोई मुझे ये बता सकता है कि मक्का से जब हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु कूफा की तरफ निकले, तो उस वक्त उनकी उम्र कितनी थी, एज क्या थी, जो आप तकरीरें सुन रहे हैं उस बेस पर बताएं। सिक्सटी 62? नहीं, जो आप तकरीरें सुन रहे हैं उस बेस पर बताएं। मैं पहले जो तकरीरें आप सुनते हैं ना, जो बयानात होते हैं, उसमें आपने क्या लिखा, 7 या 8, 16 साल? यानी मैंने तो जहां तक अंदाजा लगाया, अल्लाह वालम आप लोगों को कैसे इतनी एज पर जा रहे हैं, लेकिन मैं तो यही अंदाजा लगा सकी थी जो मैं बयानात सुन रही थी अभी तक, कि उस वक्त वो काफी यंग थे। यानी ज्यादा से ज्यादा मैं ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि वो होंगे 35, 30 to 40 के बीच में। बहुत हो गया तो 30 और बहुत ज्यादा हो गया तो 40, है ना? तो 30 to 40 के बीच में, या फिर शिया लोगों की एक्सप्लेनेशन के हिसाब से 35, 35 साल, 40 साल का कोई नौजवान लड़का है और वो निकला हुआ है ना, और बच्चे बहुत छोटे छोटे हैं, यही इमेजिनेशन आ रही है ना जो उनके है। रिवायत में आता है कि उस वक्त उनकी उम्र 59 ईयर्स थे, यानी ऑलमोस्ट 60 साल की थी। यानी जब कूफा में जब आपको शहीद किया गया है कर्बला में, आपकी उम्र 60 साल थी, 59। अच्छा, आपके बच्चों को काफी छोटा बताया जाता है, जुन नूरैन कहते हैं, बहुत छोटे थे, 1-2.5 साल के बच्चे के बाप थे वो। आपकी बहनों को, आपकी जो बेटी है, दो बेटियां थी आपके साथ, एक फातिमा और एक सकीना, इन दोनों को इतना छोटा बताया जाता है कि लगता है कि बेचारी दूध पी रही है, जबकि ये दोनों शादीशुदा थी, इनकी शादियां हो चुकी थी, 25 साल की थी, जुन्नुरैन 25, 22, 25 साल के नौजवान थे। ठीक, और अली असगर, अली असगर कहते हैं, वो तो कोई वजूद ही नहीं है, उस तरह का कोई बच्चा ही नहीं था, कोई बच्चा नहीं था। एक कोई और बेटी लेकर आते हैं, वो बेटी भी नहीं थी, नहीं हाँ, सकीना 3 to 4, मगर सकीना जो थी ये बहू थी किसी की, भी अबो 20, 20 ईयर्स, 22, 23 साल, यानी जो जो फातिमा है उनकी 25 है, तो इनकी ऑलमोस्ट 23 तक की उम्र थी, यानी 20 के ऊपर उम्र है। लेकिन जो शो किया जाता है, जो नक्शा खींचा जाता है, उस एतबार से आप देखें तो ये सब छोटे 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 नजर आ रहे हैं। और अच्छा, जैनब जो आपकी बी जो है अली असगर जिसको कहते हैं, एक्चुअल में उनका मोहम्मद बाकिर जो आता है नाम, है ना, ये 2.5 साल के थे, ये 2.5 साल के थे। और जैनब रदी अल्लाह की क्या इमेज है आपके सामने, जो आपकी बहन थी, क्या क्या इमेज है, जो इमेज है वो बताएं, एज नहीं पूछ रही हूँ, इमेज क्या है आपके हिसाब से, उनकी एज क्या होगी जो बहन थी जैनब। ये हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु से बड़ी थी, यानी अगर हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु 59 है, तो ये ऑलमोस्ट 65 तक की होंगी, है ना, अबो 60-70 होंगी, क्योंकि हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु से बड़े थे हसन 1 साल, तो वो 60, 61, 62 होंगे, तो ये अबो 50 होंगी, 50 या 50 अबो होंगी, है ना, राइट। अब आप सोचे कि कौन जा रहा है, कहाँ जा रहे हैं, कर्बला जा रहे हैं। अब उसके भी पीछे उसकी भी हकीकत सुने इंशाल्लाह, कि जब ये खतूत आपको मिले तो आपने जाने का इरादा कर लिया, तो जब आपको ये पता चला, जब ये हुसैन जो इनके जो क्या कहते हैं यार, मुस्लिम बिन उकैल का जो खत मिलता है कि आप आ जाएं और यहाँ के लोग बहुत आपका वेट कर रहे हैं और आपकी मदद करना चाह रहे हैं, तो हुसैन रदी अल्लाह तआला ने निकलने का इरादा किया। ठीक है, अब मिलने के लिए वो किससे किसके पास गए, अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह के पास गए, बड़े थे ना, खानदान के बड़े सरबराह के तौर पर थे, और हुसैन रदी अल्लाह तआला से बड़े थे, यानी जब अल्लाह के रसूल की वफात हुई है
तो हुसैन रदी अल्लाह तआला नु 6 साल के थे और अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदी अल्लाह नु 15 साल के थे, तो एक अच्छा खासा गैप है, यानी वो जवान टीनेजर्स में थे और ये बच्चे थे। तो अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदी अल्लाह तआला नु के पास ये गए और कहा कि मैं कूफा जा रहा हूँ, मुझे बहुत सारे खत आ रहे हैं, मैं कूफा जा रहा हूँ। तो हुसैन अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदी अल्लाह तआला नु ने उनसे कहा, अगर मुझे ये खतरा ना होता कि लोग मुझको बुरा भला कहेंगे, क्या कह रहे हैं अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदी अल्लाह तआला नु, अगर ये 60 के हैं तो फिर उस अब्दुल्ला इब्ने अब्बास कितने हुए, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास की एज क्या हुई, अगर ये 6 के थे और वो 15 के थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसमें, तो अगर ये 59 के हैं तो अब्दुल्ला इब्ने अब्बास आप इमेजिन करें 75 ऑलमोस्ट है, राइट। तो अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदी अल्लाह तआला उन्होंने क्या कहा, अगर मुझे ये खतरा ना होता कि लोग आपको और मुझे बड़ा भला कहेंगे, तो मैं आपके बाल अपने हाथों में पकड़ लेता और उस वक्त तक आपके बाल ना छोड़ता जब तक आप अपना प्लान चेंज ना कर देते। अल बिदाया व निहाया में इब्ने कसीर रहीमहुल्ला ने इनके अल्फाज नकल किए हैं कि मैं आपको छोड़ता ही नहीं, यानी मत जाइए आप, यानी रोकने की इस हद तक कोशिश करता कि आपके बाल अपनी मुट्ठी में पकड़ लेता और मैं नहीं जाने देता, लेकिन मेरी एज आपकी एज के एतबार से ये अमल करना मुझे पॉसिबल नहीं लग रहा है। अब्दुल्ला इब्ने उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु भी उस वक्त मक्का में थे, जब उनको मालूम हुआ कि हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु इराक की तरफ जा रहे हैं, तो आपने 3 रातों का सफर तय करके हुसैन को रास्ते में जा लिया, यानी ये मिलने नहीं गए लेकिन ये इतना दूर जा चुके थे कि अब्दुल्ला इब्ने उमर को इनसे मिलने के लिए 3 रातों का सफर तय करना पड़ा। और आपने उनको रास्ते में जाकर पूछा कहाँ जा रहे हो, हुसैन रदी अल्लाह फरमाए इराक का इरादा है और इराकियों के खतूत दिखाए बाकायदा। अब्दुल्ला इब्ने उमर रदी अल्लाह फरमाया आप इनके पास ना जाएं, लेकिन हुसैन रदी अल्लाह तआला उन्होंने इन जाने पर इसरार किया कि नहीं मुझे जाना है। अब्दुल्ला इब्ने उमर ने इनको काफी रोकने की कोशिश की लेकिन ये नहीं रुके। अब्दुल्ला बिन जुबैर रदी अल्लाह तआला उन्होंने कहा कि ए अबू अब्दुल्ला, हुसैन रदी मैं आपको वसीयत करने वाला हूँ और मुझे आपसे बड़ी मोहब्बत है, बड़ी शफकत है, मुझे इत्तला मिली है कि अहले कूफा ने आपसे खत और किताबत की है, यानी खत लिखा है, और आप कूफा जाने वाले हैं, मैं आपको मना करता हूँ, मैंने क्योंकि मैंने आपके बाप अली रदी अल्लाह को ये कहते हुए सुना था, अल्लाह की कसम मैं इनसे उकता गया हूँ, मुझे इनसे नफरत हो गई है और ये मुझसे उकता गए हैं और मुझसे नफरत करते हैं, इनकी वफादारी कभी नहीं होगी, जिस किसी ने इनके जरिए कामयाबी हासिल कर ली उसे तीर के सिवा कुछ नहीं हासिल होगा, अल्लाह की कसम ना इनकी नियतें सही हैं और ना इनका कोई फैसला सही है। अलविदाया बन निहाया में, यानी इस हद तक आपको रोकने की कोशिश की गई, लेकिन एक चीज होती है जिसको आप और मैं क्या कहते हैं, तकदीर। जिब्राइल अमीन अल्लाह के रसूल ससम के पास आए, कुछ मिट्टी लेकर आए जिसमें खून लगा हुआ था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा जिब्राइल ये क्या है, ये क्या लेकर आए हो, इसमें इतना खून लगा हुआ है। जिब्राइल अमीन ने कहा अल्लाह के रसूल ये वो जमीन है जहां हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु को क्या किया जाएगा, शहीद किया जाएगा। मकसद क्या था हुसैन रदी अल्लाह को कूफा जाने का, कि अगर ये एग्री हो गए, अगर ये तैयार हो गए और यजीद की खिलाफत हो गई या फिर मेरी खिलाफत हो गई तो मैं इनको समझा लूंगा, मैं इनको सीधे रास्ते पर ले आऊंगा, मैं इनको सही डायरेक्शन बताऊंगा और इन्होंने जो गुनाह गलतियां की हैं वो क्या हो जाएंगे, माफ हो जाएंगे। इसलिए से ये क्या हो रहे थे, कूफा जा रहे थे। अब हुआ ये कि जब रास्ते में ये निकले तो खत, जिस दिन आपको हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु को जिस दिन खत मिला है, ठीक है, कि आप निकल जाएं, उसके दूसरे ही दिन मुस्लिम बिन उकैल को क्या कर दिया गया, कत्ल कर दिया गया। ठीक है, जिलहज के महीना था, जिलहज के महीने में जो है जैसे ही इनको ये खबर मिली कि हाँ आप निकल जाएं और मामला बहुत अच्छे हैं, यहाँ सारे लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, तो फिर इन्होंने क्या किया, अपना जब सफर तय करना शुरू किया तो उसके बाद इन लोगों ने उनको क्या किया, मुस्लिम बिन उकैल ये अली हुसैन रदी अल्लाह तआला के चचाजाद भाई हैं, चचा के बेटे हैं। तो मुस्लिम बिन उकैल को क्या कर दिया गया, किसने शहीद किया, कूफा के लोगों ने। यानी जो जब यजीद को ये पता चला कि इस तरह से हुसैन रदी अल्लाह तआला नो कहाँ जा रहे हैं, कूफा जा रहे हैं, और कूफा के लोग उनके हाथ पे बैत करने जा रहे हैं, तो उसने अंदाजा लगा लिया कि भाई ये बहुत बड़ा फितना हो जाएगा। तो उसने अपने एक जो है वो गवर्नर को भेजा, उबैदुल्ला बिन जियाद को, कि जाओ
और देखो कि क्या मामला है, हुसैन रदी अल्लाह क्यों कूफा जा रहे हैं और कूफा में क्या चल रहा है। और ये बात भी उनको पता चली थी कि मुस्लिम बिन उकैल जो है वो कूफा में लोगों से क्या ले रहे हैं, बैत ले रहे हैं। तो जब मुस्लिम बिन उबैदुल्ला बिन ज़ियाद कूफा पहुंचे तो इन्होंने तमाम लोगों को जमा किया और कहा कि जो लोग भी ये काम कर रहे हैं, ठीक है, यानी जो लोग भी इस काम में हैं उनको, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो सुबह के वक्त मुस्लिम बिन उकैल कहते हैं कि मेरे साथ 30,000 लोग खड़े थे, ठीक है, उसके बाद दोपहर होने होने तक आधे लोग कम हो गए और रात हुए हुए तक मेरे पास सिर्फ 3 से 4 लोग बचे, अच्छा सब के सब क्या हो गए, भाग गए। 18,000 में से 4,000 लोग मुस्लिम बिन उकैल के साथ निकले, यानी निकले भी नहीं, 18 में से कितने निकले, सिर्फ 4। और जब उनको घेरा गया, उनको थोड़ा और डराया धमकाया गया, तो फिर वो निकलते निकलते कितने बच गए, आखिर में वो कहते हैं शाम हुए तक मेरे पास सिर्फ 3 से 4 लोग बचे। अब इनके खिलाफ चूंकि ये एक खलीफा की बैत हो चुकी थी और ये दूसरे खलीफा की बैत ले रहे थे, तो इस जुर्म में इनको मौत की सजा दी गई, मुस्लिम बिन उकैल को कत्ल कर दिया गया, इन्हें शहीद कर दिया गया। तो जब इनको शहीद किया गया, इन्होंने फौरन एक काम किया कि फौरन एक खत लिखाया कि ए हुसैन, अल्लाह के लिए कूफा मत आना, जहां भी तुम्हें मेरा खत मिले वहीं से पलट जाना, और ये कूफी जो है ये भरोसे के लायक नहीं है, इन्होंने मुझसे भी झूठ बोला, इन्होंने तुमसे भी झूठ बोला, ये भरोसे के लायक नहीं है, तुम कूफा में दाखिल मत होना। लेकिन ऑलरेडी हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु मक्का से निकल चुके थे। अच्छा, अब एक मेन सेंटर पर पहुंच रहे हैं, इसको थोड़ा सा अच्छे से समझें। हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु कहाँ पहुंचे हैं, जो है वो इसको मैं इंशाल्लाह आपको समझाऊं, चलते हुए कूफा से, ठीक है, कूफा से चलते हुए हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु जो है एक जगह पहुंचते हैं, एक एक मकाम पर आते हैं कूफा से आते हुए, और उस जगह का नाम है, एक सेकेंड, कादसिया, ठीक है, नहीं, करबला नहीं है। देखो इसको इस तरह से मैं थोड़ा सा समझा दूंगी आपको कि ये जो है एक एक रास्ता है जो कि इस तरह से है, यानी यहां पर अगर आप खड़े हैं तो ये जो रास्ता है ये ऐसे जा रहा है, तो ये शाम की तरफ जा रहा है, ठीक है, मुल्के शाम की तरफ, और ये जा रहा है कूफा की तरफ, ठीक है, और एक रास्ता जा रहा है मक्का की तरफ। तो अब मैं ब्लू से बना रही हूं, ये जो हुसैन रतिन को जाना है यहाँ कूफा की तरफ, यहां से पहुंचे हैं, अब यहां से इनके पास दो चॉइस है, कूफा निकल जाएं या शाम चले जाएं। अगर शाम जाना है तो यहाँ जाना होगा, कूफा जाना है तो यहाँ टन लेना होगा, ये बस एक में समझने के लिए। अब ये जो मक्का से जो कूफा जा रहे हैं इसके बीच में करबला कहीं नहीं आता है, करबला कहाँ आता है, करबला आता है शाम के रास्ते में। तो हुसैन रदी अल्लाह तो मक्का से निकले थे कहाँ जाने के लिए, कूफा जाने के लिए, तो करबला कैसे पहुंचे, यहां कैसे आ गए, यहां कैसे शहीद हो गए, मक्का से कूफा के बीच में करबला आता ही नहीं है, समझ रहे हैं आप, मक्का से कूफा के बीच में करबला नहीं आता है, मक्का से शाम के रास्ते में करबला आता है जहां हुसैन रदी अल्लाह को उनकी फैमिली के साथ शहीद किया गया। क्लियर है बात, इसको जहन में रखें, ठीक है। अब उसके बाद अली, जब आप बिल्कुल रास्ते में थे और आप कहाँ पहुंच रहे थे, बिल्कुल कूफा के रास्ते पर जा ही रहे थे, यानी समझ लीजिए बस यहां से आपको कूफा जाना है, तो यहाँ आपका कूफा का रास्ता है इराक की तरफ, तो यहाँ पर इनको एक काफिला मिलता है हुसैन रदी अल्लाह को। हुसैन रदी अल्लाह तआला ने उससे पूछते हैं कि कूफा का क्या हाल है, तो उन्होंने कहा कि भाई मुस्लिम बिन उकैल शहीद कर दिए गए हैं और आप कहाँ जाना चाह रहे हैं, कहा मैं कूफा जाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा अल्लाह की, आपको अल्लाह का वास्ता है, आप यहां से निकल जाए, आप कूफा नहीं जाए, कूफा के हालात सही नहीं है, मुस्लिम बिन, आपको वहां पर खबर मिल गई कि मुस्लिम बिन उकैल जो है वो क्या कर दिए गए हैं, शहीद कर दिए गए हैं। तो हुसैन रदी अल्लाह तआला उन्होंने फौरन अपना इरादा चेंज किया और कहां की तरफ निकले,
शाम की तरफ। शाम के रास्ते में कहां पर पहुंचे? 82 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद आप करबला पहुंचे, ठीक है। कूफा के बॉर्डर पे 4,000 फौजी रखे गए हैं। यहां पर हुसैन रदी अल्लाह को रोका गया, कहा कहा पूछा गया कहां जा रहे हो, कहा कूफा जा रहा हूं, ठीक है। तो उबैदुल्ला बिन जियाद का जो अपॉइंटेड, जो उनके क्या कहते हैं गवर्नर थे, जो उनके वो थे, उनका नाम जो आता है रिवायत में अम्र बिन साद। अम्र बिन साद जो है ये रिश्ते में हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु के नाना लगते हैं, यानी साद बिन अबी वक्कास के ये बेटे हैं, और साद बिन अबी वक्कास नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्ते में मामू लगते थे, ठीक है। तो उस एतबार से ये मामूजात भाई हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, है ना, उमर उमर बिन साद। तो ये चूंकि अल्लाह के रसूल के भाई हुए, तो इस एतबार से ये हुसैन रदी अल्लाह उनके रिश्ते में नाना लगते थे, ये बहुत सॉफ्ट हार्ट थे। इन्होंने हुसैन रदी अल्लाह से पूछा कि हुसैन क्या इरादा है, क्या क्या करना चाहते हो? तो अल्लाह हुसैन रदी ने फरमाया कि मुझे तीन चीजों में से कोई एक चीज करने दो। क्या है वो तीन चीजें? उन्होंने कहा, इमाम तबरी रहीमुल्लाह ने रिवायत किया है, मैं जहां से आया हूँ मुझे वहां जाने दो, यानी मैं कहाँ से आया हूँ, मैं मक्का से आया हूँ, मुझे मक्का जाने दो, एक। नंबर दो, मुझे यजीद के पास जाने दो, रिवायत के अल्फाज उठाकर देखें हुसैन रदी के सही अल्फाज, मैं अपना हाथ उसके हाथ में देना चाहता हूँ, यानी मैं उसकी बैत को कबूल करना चाहता हूँ, तो मुझे शाम भेज दो यजीद के पास, ठीक है। या फिर मुझे किसी भी इस्लामी सरहद पर भेज दो, जहां पर कि मैं काफिरों और मुशरिकों के खिलाफ लड़ूं और मैं शहीद हो जाऊं, क्योंकि तो मुझे शहीद होना है। तो जो अम्र बिन साद थे, उन्होंने ये पैगाम उबैदुल्ला बिन जियाद को दिया। अब दो रिवायतें मिलती है कि उबैदुल्ला बिन जियाद ने उनके उनको कहा कि नहीं, आपको मेरे ही हाथ पर बैत करनी होगी यजीद की, और आप मेरे पास आए क्योंकि मैं उनकी तरफ से आया हूँ। लेकिन जो दूसरी सही रिवायत मिलती है वो ये है कि इन लोगों ने आपकी इस पेशकश को कबूल कर लिया कि ओके ठीक है, आप शाम जा सकते हैं। इसलिए अगर आपको कत्ल करने वाले उबैदुल्ला बिन जियाद होते, या अम्र बिन साद होते, या यजीद के जो फौजी थे वो होते, ये जो 4,000 फौजी थे, अगर ये थे, तो इन्होंने 82 किलोमीटर का फासला आपको क्यों तय करने दिया? थर्ड वाला था कि मुझे किसी भी इस्लामी हुकूमत की सरहद पर भेज दें, जो हुकूमतें कुफार से लड़ती हैं, काफिरों से लड़ती हैं, ताकि मैं काफिरों से लड़ूं। अब आप सोच सकते हैं ना कि यहां पर पकड़े गए हैं हुसैन रदी अल्लाह, कत्ल करना था तो यही करते ना, इतना लंबा सफर 82 किलोमीटर का क्यों तय करने दिए? समझ रहे हैं आप बात को? अब हुआ ये कि जब ये करबला के रास्ते पर पहुंचे, तो आपके साथ जो कूफी ऑलरेडी मौजूद थे, इन लोगों ने ये महसूस किया कि जब ये शाम पहुंचेंगे और यजीद से इनकी मुलाकात होगी, और इनके बॉक्स में जो खतूत लिखे हुए मौजूद हैं, जब ये खत यजीद को दिखाए जाएंगे, तो उनको यकीन हो जाएगा कि हुसैन रदी अल्लाह खुद से नहीं जा रहे थे, और हमने कूफा वालों ने, तो हम कूफियों की क्या आ जाएगी, शामत आ जाएगी। तो इन लोगों ने करबला के मकाम पर, इन्हीं कूफियों ने हुसैन रदी अल्लाह तआला को उनकी फैमिली के साथ क्या किया, शहीद किया। और ये खुद हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु के पोते इमाम मोहम्मद बिन अबी बाकिर, जिनको अली असगर कहते हैं, वो कहते हैं मेरे दादा, इनकी इनकी रिवायत, इनके अल्फाज सुने, वो कहते हैं मेरे दादा शाम की तरफ चले, और इसलिए चले नहवा यजीद, यजीद की तरफ, ताकि वो उनकी बैत कर सके। करबला में अम्र बिन साद अपने घुड़सवारों के साथ उनसे मिले। हसन रदी अल्लाह हुसैन रदी अल्लाह ने इस्लाम का वास्ता देकर कहा कि मुझे इन तीन में से कोई भी एक चीज दे दें, ठीक है, तीन चीजों में से कोई एक चीज करने दें। और फिर आपको इजाजत दी भी गई कि हाँ ठीक है, आप चले जाएं, आप जाएं यजीद से मिल लें। लेकिन शाम और जो कूफा के दरमियान, यानी वो जो रास्ता चेंज हुआ, थ्री जो वे आते हैं उसमें से जो रास्ता शाम की तरफ जा रहा था, तो वहां जब आप पहुंचे, तो वहां पर आपको क्या किया गया, शहीद किया गया, वहां पर आपकी शहादत। और सबसे पहले शहीद होने वाले, सबसे पहले इन्हीं कूफियों ने आपके खिलाफ बगावत की, और आपके सबसे पहला काम इन लोगों ने क्या किया पता है आपको? सबसे पहले जिस खेमे में वो खत रखे गए थे, संदूक रखे गए थे, सबसे पहले उसको आग लगाई गई, कि ये खत जो प्रूफ के तौर पर पेश होंगे कि ये खतूत मुझे आए थे, और इस वजह से मैं मक्का से कूफा की तरफ निकला था,
ये खुतों को उन लोगों ने आग लगा दी। जिंदा बचने वालों ने, रिवायतों में, सही रिवायतों में आता है कि जिंदा बचने वालों ने अल्लाह की कसम खाकर कहा, हमारे कातिल वही हैं जिन्होंने खत लिखकर हमें बुलाया था, उन्होंने हमें धोखा दिया। जैनब, जो कि जैनब बिनते अली, जो कि अली रदी अल्लाह की बेटी है और हुसैन रदी की बड़ी बहन है, वो कहते हैं, वो कहती हैं कि यही कूफी ला यूफी है, ए कूफियो, इनकी शिया की किताबों में इनके अल्फाज मिलते हैं, ए कूफियो, ए गद्दारो, ए धोखेबाजो, तुमने हमें धोखा दिया। फातिमा, जो कि हुसैन रदी अल्लाह उनकी बेटी है, फातिमा बिनते हुसैन, वो कहती हैं कि ए कूफियों, तुमने हमारा माल भी लूट लिया और तुमने हमें रुसवा कर दिया। जैनुल आबिदीन, जो हुसैन रदी के बेटे हैं, और वो कहते हैं कि तुम लोगों को अल्लाह गारत करे। और रिवायतों में यहां तक आता है कि ये जो शिया मातम करते हैं ना, ये जो मातम करते हैं और अपने आप को कोसते हैं, ये जैनब रदी अल्लाह तआला की बद्दुआ है। इन्होंने कहा था कि अल्लाह अल्लाह करे कि तुम्हारे आंसू कभी खत्म ना हो और तुम्हें कभी खुशी नसीब ना हो और तुम्हारी जिंदगी में तुम्हें कभी भी सुकून ना मिले। ठीक है, तो ये लोग हैं। यानी तुम जिंदगी भर रोते रहोगे, तुम जिंदगी भर अपना सीना पीटते रहोगे, और ये देख लें आप, सही भी है। अच्छा, यहां से जो सबसे पहला बंदा शहीद हुआ है, यानी अपने खेमे में थे। अच्छा, कहा जाता है पानी बंद कर दिया गया था, कोई रिवायत नहीं है, रिवायतों में आता है कि बाकायदा वो पानी लेने के लिए उस खेमे के पास गए, हुसैन रदी अल्लाह तआला पानी लेकर भी आए, पानी पिया भी, और सही रिवायत में आता है कि इन लोगों ने उस दिन गुस्ल भी किया। सिर्फ पानी पिया नहीं है बल्कि गुस्ल भी किया। अब आप रिवायतें, अब इनके बयान से सुने तो होठ सूख चुके हैं, है ना, और पता नहीं क्या क्या, तौबा अल्लाह रहम करे। इस तरह की जो है वो आप देखें कि आपके सामने इनकी जो है वो इमेज लाते हैं कि इतना जुल्म किया गया और यजीद ने किया, हालांकि ना यजीद का कोई लेना देना है और ना यहाँ से उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद का कुछ लेना देना है। ये दरमियान के जो लोग थे, इन लोगों ने पॉलिटिक्स की और इन लोगों ने उनको क्या किया, कत्ल किया। जब ये लोग कत्ल करने पर आ गए और इन्होंने खेमों को आग लगा दी, तो सबसे पहले इनकी मुखालफत करने वाले कौन थे, आप में से किसी को पता है सबसे पहले कौन इनके मुकाबले में आए थे? ये जो कूफा पहुंचे हैं, वो आप ये मान लिख लें कि 10 मुहर्रम को आप जो है वो कूफा पहुंचे, 9 जिलहज को मुस्लिम बिन उकैल कत्ल कर दिए गए, 9 जिलहज, यानी ऑलमोस्ट 1 महीने बाद 9 जिलहज को ये शहीद किए गए, कत्ल कर दिए गए, और 10 मुहर्रम को जैसे ही कूफा पहुंचे हैं, कूफा में आपके खिलाफ साजिश की गई है और आपको वहां पर क्या किया गया है, कत्ल किया गया है। सबसे पहले जो मुकाबले के लिए निकले हैं वो हैं अली रदी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे, हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु के भाई, दूसरी बीवियों से अबू बकर। आपको पता है अली रदी अल्लाह तआला अन्हु ने हसन और हुसैन के बाद अपने बेटों का नाम क्या रखा था? अबू बकर, उमर और उस्मान। इन लोगों ने खिलाफत भी छीन ली और बंदा नाम भी अपने ही बेटों का रख रहा है। आप कभी रखेंगे? मैंने, मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर कोई बंदा जिस नाम का आपके खिलाफ कोई बगावत कर ले या आपको कोई बहुत बड़ा जख्म दे दे, तो आप सामने वाले से क्या कहते हैं, भाई उसका नाम भी मेरे सामने मत लेना, है ना, मेरे सामने उस बंदे या बंदी का नाम भी मत लेना, मुझे तकलीफ होती है, बाकी कुछ नहीं मसला है लेकिन आपको तकलीफ होती है। तो सबसे पहले जो लड़ने के लिए सामने आए थे वो अबू बकर थे, अबू बकर बिन अली। दूसरे नंबर पर आए थे वो उस्मान, उस्मान बिन अली। तीसरे नंबर पर जो आए थे वो उस्मान, अबू बकर, उमर, और तीसरे नंबर पर उस्मान, यानी फर्स्ट पे अबू बकर बिन अली, दूसरे पर उमर बिन अली, और तीसरे पर उस्मान बिन अली, और चौथे नंबर पर जो आए थे वो थे अबू बकर बिन हुसैन, यानी हुसैन रदी अल्लाह तआला ने अपने बेटे का नाम भी क्या रखा था, अबू बकर रखा था। इतनी मोहब्बत थी इनको। और आपको पता है कि रिवायतों में आता है कि जो उस्मान रदी अल्लाह, अबू, जब उमर रदी अल्लाह तआला शहीद हुए, तो जब हुसैन अली रदी अल्लाह तआला उनके जनाजे पर गए तो कहा कि इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं था जिसके ताल्लुक से मुझे ये ख्वाहिश थी कि मैं अल्लाह से मिलूं और उसके जैसा अमल करता बनूं। तो अगर उमर रदी अल्लाह तआला गलत थे, तो फिर क्यों अली रदी अल्लाह तआला उनके जैसा बनने को क्या कर रहे हैं,
तमन्ना कर रहे हैं कि मुझे इस दुनिया में कोई भी ऐसा इतना महबूब नहीं है कि जिसके जैसा अमल करते हुए मैं ये चाहता हूं कि मैं अल्लाह से क्या करूं, मुलाकात करूं। अच्छा, यहाँ पर 70 लोग, या बाज रिवायतों में आता है कि 70-72 लोग शहीद हो गए, ठीक है, बाकी कुछ लोग बच गए, जैसे कि जैनब जो थी, जैनब बिनते अली यानी जो हुसैन रज़ी की बड़ी बहन थी, ये जिंदा बच गई थी। सकीना, फातिमा, ये जिंदा बच गई थी। और मोहम्मद बिन बाकिर, जिनकी बाद में रिवायतें हमें मिलती हैं, जुन्नुरैन जो है मिलते हैं, ये इनके इनके अंदर है, ये जिंदा बच गए थे। जैनुल आबिदीन, यस, तो ये कहाँ गए थे? कर्बला से ये कहाँ ले गए गए? मदीना गए थे, मक्का गए थे, कहाँ गए थे? कूफा गए थे, बसरा गए थे, ये मलके शाम गए थे, बारकल्लाहु फीक, ये कूफा नहीं गए थे, ये शाम चले गए थे, किसके पास? यजीद के पास। अब यजीद ने ही कत्ल किया है तो यजीद के घर में ही जाएंगे। और रिवायत में आता है कि इन एक महीना ये यजीद के साथ रहे, यजीद के साथ ही जो है वो इनका खाना पीना हुआ, जैनुल आबिदीन का, यानी इनके साथ ही ये लोग खाते पीते थे। एक महीने के बाद ये लोग मदीना की तरफ निकले और कहा कि हम मदीना जाना चाहते हैं, लेकिन जैनब जो थी, जैनब बिनते अली रदी अल्लाह तआला, ये नहीं निकली। इन्होंने कहा नहीं, मैं शाम में ही रहना पसंद करती हूँ। और किसके पास रुकी वो मुल्क शाम में? यजीद के पास। क्या रिश्ता था यजीद का हजरत जैनब से? हजरत जैनब से उनका क्या रिश्ता था? यजीद इनके सौतेले दामाद थे, ठीक है, यजीद इनके सौतेले दामाद थे, यानी इनकी अपनी बेटी नहीं बल्कि इनके शौहर ने जो दूसरा निकाह किया था उसकी जो बेटी थी उसका निकाह यजीद से हुआ था, यजीद बिन मुआविया। तो इस तरह से जैनब जो है वो यजीद की सास थी, और इसी वजह से उन्होंने कहा था कि मैं यहीं रहना चाहती हूँ, मैं यहीं पर अपनी जिंदगी गुजारना चाहती हूँ, और वो वहीं रह गई। बाकी लोग मदीना की तरफ चले गए, और इस तरह से ये कर्बला का वाकया, दैट सिनअप। इसके अलावा आपको कुछ भी मिलता है, कुछ भी मिलता है, सब झूठ है, सब झूठी मनगढ़ंत रिवायतें हैं। इसमें आप देखिए किसी की भी कोई गलती नहीं है, सब गलतियां पैदा की गई हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा की गई हैं, गलत फहमियां पैदा की गई हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने अकीदे के लिए, अपना फायदा हासिल करने के लिए, और सबसे मेन चीज मुसलमानों में इख्तलाफ पैदा करने के लिए ये सारी चालें चली गई हैं, और ये सारी साजिशें अभी भी जारी हैं। बाकी इसके अलावा शिमर, शिमर मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि क्या नाम है ये शिमर का, कौन है शिमर? तो मैंने नहीं नाम लिया। शिमर, मैंने तो अल्लाह वाला, मैंने तो अभी तक रिवायतें पढ़ी तो मैंने मुझे नहीं मिला, लेकिन इंशाल्लाह मैंने ये बहुत शॉर्ट में आपको बताया है। और पता है आपको, जैनब रदी अल्लाह तआला जब अपने आखिरी अय्याम में थी तो एक मरतबा इन्होंने देखा कि कुछ लोग चिल्लाते हुए जा रहे हैं, रो रहे हैं, तो उन्होंने पूछा कि ये कौन लोग है? कहा ये कूफी है। कहा क्या कर रहे हैं? कहा हुसैन रदी उनकी शहादत का मातम कर रहे हैं। तो कहा अगर ये मातम कर रहे हैं तो मारा किसने है? यही तो है जिन्होंने मारा है ना। और जब असमा जो उम्मे सलमा रदी अल्लाह तआला को जब आपके कत्ल की खबर मिली है ना कि हुसैन ने शहीद कर दिया गया, तो उन्होंने कहा अल्लाह की लानत हो, लान अल्लाहुल इराक, अल्लाह की लानत हो इराकियों पर, इन्होंने अल्लाह के नवासे को क्या कर दिया? शहीद कर दिया। अब्दुल्ला इब्ने उमर रदी अल्लाह उन्हें किसी ने हज के दौरान में फतवा पूछा कि अगर हम एहराम की हालत में हो और मच्छर मार दें, मच्छर मर जाए कपड़े पर, उसका खून लग जाए तो क्या है, इसका फतवा क्या है? उन्होंने कहा नबी के नवासे का खून लेकर चल रहे हो उसकी फिक्र नहीं है, इराकी था ना वो, कहाँ से हो? कहा इराक से हूँ। कहा नबी के नवासे का खून अपने दामन में लेकर चल रहे हो उसकी फिक्र नहीं है, मच्छर के खून के बारे में मसला पूछते हो, निकलो यहाँ से। यानी उन्होंने धमकी देकर या डांट कर वहां से क्या कर दी, निकाल दी। सब झूठ है, सब झूठ है, सब सब मारने के लिए बुला रहे, सब झूठ है, सारी चीजें जो है ये सब झूठ है। इंशाल्लाह अगला साल अगर हमें नसीब होता है तो हम इसको और डिटेल में और उससे पढ़ेंगे, लेकिन जहां तक मुझे समझ आ रहा है कि आपको असल किस्सा समझ आ गया, असल हकीकत यही है। इसके बाद अगर मैं चाहूं तो मैं कितनी भी नमक मिर्चियां लगा सकती हूँ, लेकिन हकीकत यहां तक ही आती है, ठीक है। ना सुनते हैं।
नहीं ऐसी मुझे कोई तो सर कत्ल किया था, ये रिवायत में आता है कि सर को कत्ल किया था। अब इसमें वो बंदा मुझे नहीं मिला है, कि मुझे जो मैंने जो रिवायतें पढ़ी उसमें नहीं है। बुलाया पानी की बंदिश इब्ने एक तारीखी किताब में है कि ये झूठा है। इमाम हुसैन रदी ने एक कुदाल उठाई और औरतों के खेमे से बाहर की तरफ 90 कदम किबले की जानिब चल कर गए और जमीन को थोड़ा सा खोदा कि अचानक आप पानी निकल पड़ा। आपके साथियों ने पानी भी पिया, मुश्किल से पानी भी भरा, यानी एक्स्ट्रा पानी भी भर लिया। ठीक है, और इब्ने कसीर रहीमुल्लाह फरमाते हैं कि हुसैन रदी अल्लाह का सर काटने की रिवायत मुत्तफ़क़ुन अलैह नहीं है, यानी ये सही रिवायत नहीं है। ठीक है, करबला और कत्ले हुसैन से मुताल्लिक 90% रिवायत बयान करने वाले लूत बिन याहिया हैं और ये वाकये करबला के वक्त पैदा भी नहीं हुआ था। लूत बिन याहिया हैं और ये करबला के वाकये के वक्त पैदा भी नहीं हुआ था, इसलिए इसने जितनी भी रिवायतें हैं ये सब गढ़ी गई हैं। अगर हम तारीख में जाएंगे तो हम पजल हो जाएंगे, अगर हम रिवायतों में सही रिवायतों में जाएंगे तो हमें सही रिवायतें सिर्फ इतनी ही चीजें देती हैं और हमें इसी पर इंशाल्लाह क्या करना है, इत्तेफाक करना है। ठीक है, तो ये तमाम चीजें समझ आ गई आप लोगों को शॉर्ट में। नहीं, सर को घुमाया गया नहीं, मुझे तो नहीं मिली, अल्लाह वाला मुझे नहीं मिली। इंशाल्लाह मैं और भी रिसर्च करूंगी, लेकिन मुझे ये चीज नहीं मिली बिल्कुल भी कि सर को घुमाया गया है, मेजिक में रखकर सर को घुमाया गया, मुझे इस तरह की कोई बात नहीं मिली। इंशाल्लाह अगर कुछ मुझे इस ताल्लुक से मिलता है तो इंशाल्लाह जो हमारा वेडनेसडे का बयान होगा उसमें मैं जरूर आप लोगों को ये चीज क्लियर करूंगी। क्लियर है अल्हम्दुलिल्लाह। बस मैंने कोशिश की है क्योंकि ये टॉपिक बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और सबसे अहम चीज कि हमें सही रिवायत नहीं मिलती है। असल चीज जो है वो ये है कि सही रिवायतें बहुत मुश्किल से मिली है मुझे, और मैंने कहा ना कि मेरी जिंदगी का सबसे टफेस्ट जो है वो ये बयान रहा। और इंशाल्लाह क्योंकि इसमें मसला ये था कि शबी जो है, जो शख्सियत है, वो बहुत ज्यादा दागदार की गई है, बहुत सारे इल्जाम हैं, तो इसलिए मैंने कोशिश की कि शॉर्ट में आप लोगों को थोड़ा सा मैं तमाम चीजें, ताकि एटलीस्ट बेसिक आपके सामने रहे। इंशाल्लाह जब अगली बार हम मुहर्रम से रीड करेंगे तो इसमें और इंशाल्लाह अल्लाह ताला मेरे और इल्म में इजाफा भी करेंगे और मुझे थोड़ी सी और क्या कहते हैं मजबूती भी आएगी, तो उस वक्त हम जो है वो और अच्छे से इसको पढ़ेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, जजाकुमुल्लाह खैर। سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. واقعي حرة جو ہے جنگ جمل ہے، جنگ سفین ہے، یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم کو تھوڑی ڈیٹیل میں، لیکن میرا ہمارا جو ٹاپک مین ٹاپک تھا وہ کربلا تھا، تو کربلا کے تعلق سے ہمارا کانسیپٹ کلیئر ہونا بہت زیادہ ضروری تھا، اس لیے میں نے زیادہ فوکس اس پہ کیا ہے. حالانکہ میں ڈائریکٹ کربلا کی ہسٹری لے سکتی تھی، لیکن شاید پھر وہ چیز آپ کو اتنی کلیئر نہیں ہوتی جو ہم عبداللہ بن سبا سے جو ہم نے سٹارٹ کیا کہ یہ کیسے ہوا، یہ چیز بہت امپورٹنٹ تھی مجھے ایسا لگا. حالانکہ مجھے جو ٹاپک دیا گیا اور بہت زیادہ ریکویسٹ کی گئی کہ آپ کو کرنا ہے کرنا ہے کرنا ہے، تو میں ایگری بھی، ادروائز میں نے کہا نا کہ کل تک بھی میرا ارادہ تھا کہ مجھے یہ جو ہے وہ اسکپ کر دینا ہے، مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا، خوف آ رہا تھا، بس اللہ تعالیٰ نے آسان کیا اور آج میں صبح سے صرف یہی دعا کر رہی تھی تہجد سے ہی کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے آسان فرماتا کہ میں اس کو سمجھا سکوں اور لوگوں تک صحیح انفارمیشن میں پہنچا سکوں. لیکن انشاءاللہ اگلے سال جب ہم اس محرم سیریز کو لیں گے تو ہم تمام چیزوں کو کور کرتے ہوئے جائیں گے، آرام سے کور کریں گے تاکہ ہر چیز ہمارے سامنے اور کلیئر ہو جائے انشاءاللہ. الحمدللہ، جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.